जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण क्लाइमेट क्लासिफिकेशन गया। स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जलवायु वर्गीकरण की योजनाएं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, देखिए क्या होता है इसका अर्थ। देखें क्यों पढ़ते हैं हम लोग जलवायु वर्गीकरण, जलवायु का अर्थ क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सवाल देखिए क्या आता है पहले, जलवायु क्या है, पहला सवाल। पहला सवाल जलवायु क्या है, दूसरा जलवायु के तत्व कौन कौन से तत्व हैं, इसके बाद मौसम क्या है, दूसरा मौसम वर्सेज जलवायु, क्या जरूरत पड़ी हमें जलवायु का अध्ययन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है, ऐसा कोई भूगोलवेत्ता नहीं, ऐसा वैज्ञानिक नहीं जो इसकी चर्चा नहीं करे ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी का मुख्य उद्देश्य होता है जलवायु का अध्ययन करना। क्यों? भूगोल में यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है, उस पृथ्वी के पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन है, जलवायु। बड़ा सिंपल है। तो पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक या पृथ्वी के भौतिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन है, जलवायु है। इस जलवायु के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्नताएं मौजूद हैं। क्या है, विभिन्नताएं मौजूद है, डिफरेंशिएशन है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है। किसके कारण है, जलवायु के कारण है। चीजें क्लियर। अब जलवायु का अध्ययन कैसे करते हैं, जलवायु में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो देखिए हम लोग बहुत सारी परिभाषाएं देखते हैं। मैं जब शुरुआत की थी अपने जलवायु विज्ञान, तो जलवायु में बहुत सारी परिभाषाएं लिखवाई थी, वापस दोबारा हम परिभाषाएं देखेंगे। तो जलवायु क्या है, अब तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे, बहुत सारी चीजें पढ़ के आए, मौसम और जलवायु दोनों में कोई रिश्तेदारी है, यस रिलेशन है। क्या दोनों विभिन्न है, हाँ दोनों विभिन्न भी हैं, और दोनों में क्या संबंध है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब सवाल होता है कि जलवायु क्या है, किसमें क्या शामिल करते हैं जलवायु में। तो जलवायु से पहले हम लोग मौसम देखें, मौसम वर्सेज जलवायु। तो वायुमंडल के घटक दिन प्रतिदिन मानव को प्रभावित करते हैं, या वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था क्या है, मौसम। वायुमंडल की दशा ही क्या है, मौसम। यानी इसमें किसकी बात करते हैं हम लोग, वायुमंडल की दशा। तो वायुमंडल दशा कौन कौन सी है, वायुमंडल के तत्व कौन कौन से, यानी मौसम एक क्षणिक घटना है, कहते हैं ना मौसम की तरह नहीं बदल जाना, कब कौन सी चीज कब बदल जाए कोई पता नहीं। तो वायुमंडल की दशा का अध्ययन किसमें किया जाता है, मौसम में। और वायुमंडल के जो घटक है, दशा के जो घटक है,
अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की प्रक्रियाओं के वे वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जिनके द्वारा मौसम प्रभावित होता है, उन सब का अध्ययन हम जलवायु में करते हैं चीजें के लिए। तो अब मौसम में कौन कौन से घटक होंगे? तापमान, वायुदाब, जलवाष्प, आर्द्रता और ये बादल, वृष्टि, ये सारे और पवन, ये सारे तत्व क्या है? मौसम के घटक है। सवाल पूछा गया मौसम के तत्व कौन से हैं? तो यानी ये मौसम क्या है? वायुमंडलीय दशा है, वायुमंडलीय दशा मौसम। अर्थात क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? क्षणिक कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? माइट्रोलॉजी बोलते हैं ना, इसका अध्ययन मैटरोलॉजी। मैटरोलॉजी इसका अध्ययन क्या कहलाए? मैटरोलॉजी। और मैटरोलॉजी में किसका वायुमंडल दशाओं की अवस्था कैसा है? क्षणिक अवस्था है, क्षणिक अवस्था है। अर्थात दिन प्रतिदिन एक ही बात है, दिन प्रतिदिन में वायुमंडलीय दशाओं का, वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन। वायुमंडल दशाओं का अध्ययन किया जाता दिन प्रतिदिन, ये ध्यान रखें इस पर। अब इसके तत्व कौन से होंगे? कौन से तत्व हो जाएंगे? यानी वायुमंडल की दशा को परिवर्तन करने वाले, यानी एटमॉस्फेयर, हमने पढ़ा है ना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल वातावरण, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, वायुमंडल। अब वायुमंडल में ये वायुमंडल दशा है, तो वायुमंडल के तत्व कौन कौन से पढ़े थे हमने? सबसे पहले हमने सूर्यताप भी पढ़ा था। आगे जाके मैं विद्वानों का नाम लूंगा, अभी बहुत सारे विद्वानों ने क्या क्या कहा वो भी हम देखेंगे। तो कौन सा हो गया तत्व? पहला तापमान लिख देते हैं हम सूर्यताप के स्थान पर, तापमान। फिर वायुदाब, वायुदाब से क्या उत्पन्न हो गई? पवन। पवन से क्या हो गई वहां पर? बादल, जलवाष्प, जलवाष्प। फिर क्या हो गया? बादल। ये क्या है हमारे वायुमंडलीय? अब जलवाष्प के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? आर्द्रता भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? आर्द्रता भी कर सकते हैं। तापमान, वायुदाब, पवन, जलवाष्प, बादल, आर्द्रता। पूछा गया सवाल है कि वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं? तो सीधी सी गणित है कि हमने जलवायु से पहले जितने भी तत्व पढ़े वो सारे के सारे तत्व क्या आ जाएंगे? मौसम में आ जाएंगे। ये दिन प्रतिदिन बदल जाता है। अभी 12 बजे मौसम साफ था, कहते हैं ना हम लोग मौसम साफ है। मौसम साफ का मतलब क्या हुआ? वायुमंडल दशा में बादल नहीं है, या बिल्कुल आज तो उजाला हो रहा है, क्यों? बादल नहीं है, तापमान ज्यादा हो रहा है, आज तो बरसात होगी, ओले गिरे, क्या है? मौसम में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है? मौसमी दशा है। तो आपसे पूछ सकता है, कई बार सवाल पूछे गए हैं, मौसम क्या है? मौसम एक क्षणिक अवस्था। किसकी क्षणिक अवस्था है? वायुमंडल की। वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। अब जलवायु क्या है हमारी? देखें सिंपल कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। जलवायु क्या है? वायुमंडलीय दशाओं का सांख्यिकी विधि से हम बात करें तो औसत है, वायुमंडल दशाओं का औसत योग है या समुच्चयन है। किसका? अब देखिए टेक्निकल, मौसमी दशाओं का समुच्चयन। समुच्चयन का मतलब होता है
योग सम्मिलित होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है ये? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये विभेदन है और ये समाकलन है। कई बार पूछा गया है कौन समाकलन कौन विभेदन है, विभेदन डिफरेंशिएशन ये है और ये इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है? इसका इंटीग्रेशन है। वायुमंड दशाओं का इन सब का समुच्चयन है, या फिर हम कैसे कर सकते हैं औसत दशाओं का योग, औसत दशाओं का योग। कौन सी दशा? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय औसत दशाओं का योग है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु में हमेशा किसका अध्ययन करते हैं? औसत मान का अध्ययन करते हैं। कोपेन मोदे ने अपने डेटा औसत मान लिए, तो जलवायु में किनका हम अध्ययन करते हैं? औसत मान का। अब औसत मान क्या होंगे, किसके होंगे? तापमान के भी हो सकते हैं, वायुदाब के भी हो सकते हैं, वर्षा के हो सकते हैं। तापमान, वायुदाब, वर्षा, इनके औसत मान का अध्ययन करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? इंटीग्रेशन है, समुच्चयन है, इंटीग्रेशन। और ये डिफरेंशियंस है। अब दूसरी परिभाषा देखें हम लोग, पहली परिभाषा समझ में आ गई। ये दीर्घकालीन अवस्था है, दीर्घकालीन अवस्था। और ये कौन सी थी? क्षणिक अल्पकालिक अवस्था। अर्थात मौसम की दशाओं के 30 वर्षों का योग। कई विद्वान कहते हैं 50, लेकिन ज्योग्राफर हमारे इंडियन ज्योग्राफर क्या बोलते हैं? 30 साल। तो मौसम की 30 वर्षों के औसत दशाओं का योग क्या है? जलवायु है। तो अब अपनी यहां नया नाम और जोड़ दिया, 30 वर्षों क्या है? औसत 30 वर्षों के औसत दशाओं का योग। ये लीजिए 30 वर्षों के औसत दशाओं का योग है। अब हो सकता है कई ज्योग्राफर है, कई पुरानी किताब है, जो भी है, 50 वर्ष भी माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं 30 से 50 वर्षों के औसत योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब जलवायु के तत्व कौन से हैं? अभी और बात करूंगा इसमें अंदर में, बहुत सारी बातें करेंगे। जलवायु के तत्व कौन से? अभी हिंदी बात नहीं किया मैंने, शाब्दिक अर्थ तो गया ही नहीं हूं, शाब्दिक अर्थ भी जाऊंगा जलवायु में। अभी केवल हम कंपेयर पढ़ रहे हैं, कौन कौन से तत्व हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बताइए कौन कौन से प्रभावित हैं? लिखा है हमने तापमान को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं। तो तापमान को कौन प्रभावित कर रहा है? ये सब भाई इसका तो योग है, इसका योग नहीं है क्या? सूर्य ताप, ये क्या है? सूर्य ताप, सूर्य ताप के कारण अभिन्नता आती है, तो इसका योग। अब तापमान कौन कौन प्रभावित करता है? देखिए सागर तल से ऊंचाई हो गया ना, अपने आप जलवायु कन्वर्ट होगी। महाद्वीपीय जलवायु है, सागरीय जलवायु है, पर्वतीय जलवायु है। उससे पता लगा, किससे पता लगा हमें? ऊंचाई से, लोकेशन से पता लगा। तो यानी यह क्या हो गया? सागर तल से ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई और सागर से दूरी, सागर तट से दूरी और क्या हो सकते हैं? क्या बात है? धरातल यानी स्थल एवं जल का प्रभाव,
जल का प्रभाव और क्या हो सकता है? पवनों का प्रभाव और सागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं देखेंगे और स्थाई एवं अर्धस्थाई, स्थाई एवं अर्धस्थाई वायुदाब। क्यों? तापमान को वायुदाब भी प्रभावित नहीं करता है क्या? पढ़ते रहे, तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम, तो तापमान बढ़े तो वायुदाब नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। इसके बाद उच्चावचीय प्रभाव, उच्चावचीय प्रभाव, उच्चावचीय प्रभाव का मतलब वो मैदान है, ऊंचे नीचे पर्वत है, पठार है, क्या है उच्चावचीय प्रभाव? धरातल का प्रभाव, मिट्टी का रंग स्वरूप, धरातल की प्रकृति, धरातल की प्रकृति, मिट्टी का रंग एवं स्वरूप। अब देखिए इतनी चीजें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, पवन, जलवाष्प, बादल, आर्द्रता। ठीक है, जलवायु के तत्व कौन से हैं? सागर तल से ऊंचाई, सागर तट से दूरी, और इसके बाद धरातल, जल और थल का प्रभाव यानी उनका वितरण, पवनों का प्रभाव, कौन सी हवा चल रही है, सनातनी हवा में पछुआ है, व्यापारिक है या ध्रुवीय पवन, सागरीय धारा, सागर के निकट कौन सी धारा चल रही है, ठंडी धारा है गर्म धारा, गर्म धारा के कारण जलवायु कैसी है, ठंडी कैसी है, कोहरा बन रहा है तो किसके कारण बन रहा है, सागरी धारा के कारण, उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ठंडी धाराओं के कारण वहां कोहरा बन जाता है निकट में, तो वो भी क्या है उसकी जलवायु है ना, स्थाई अर्धस्थाई क्या है, वायुदाब, उच्च वायुदाब प्रभाव, उच्चावचीय प्रभाव, धरातल की प्रकृति, पर्वतीय अवरोध भी आ सकता है, मिट्टी का रंग और स्वरूप, ये सब के सब क्या है हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी और चलेंगे, और क्या हो सकती है जलवायु, अब परिभाषा की हम बात करें, ये क्लाइमा है, क्या है क्लाइमा, ग्रीक भाषा का वर्ड है क्लाइमा, ग्रीक है, और क्लाइमा का मतलब क्या होता है, झुकाव, क्लाइमा का मतलब है झुकाव। तो पृथ्वी के झुकाव का अध्ययन करना, बोले ये क्या मतलब हुआ, यस पृथ्वी कितनी झुकाव है, 23.5, उसी झुकाव के कारण सूर्य की रश्मि अलग अलग एंगल बनाती है, तो सूर्य की रश्मि सौर्य विकिरण किसके सारे एंगल बनाती है, अक्षांश रेखाओं के सारे एंगल बनाती है, चीजें क्लियर, तो किसके सारे, वो अक्षांश रेखाओं के, तो जलवायु का अध्ययन किसके सहारे करते हैं, अक्षांश रेखाओं के सहारे करते हैं। तो यहां झुकाव, झुकाव का मतलब क्या हो गया यहां ढाल, और ढाल का मतलब क्या हो गया अक्षांश। तो पृथ्वी के झुकाव, पृथ्वी के अक्षांश के प्रभाव का अध्ययन करना जलवायु है। अब दूसरी भाषा हम बात करेंगे, ये शाब्दिक अर्थ हो गया, शाब्दिक परिभाषा हो गई, दूसरा हम लेना चाहते हैं अब टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ा सा, स्थान और समय, अर्थात कोरो और क्रोन, दो वर्ड है कोरो क्रोन, कोरो का मतलब स्थान, क्रोन का मतलब समय, भूगोल में दोनों जरूरी चीजें, किसी स्थान विशेष समय विशेष में होने वाले परिवर्तनों का, मौसमी दशाओं का जो योग है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, या किसी स्थान विशेष, आगे किसी स्थान विशेष और समय पर
मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन या मौसमी दशाओं का योग क्या कहलाएगा? जलवायु। तो यानी हमने नया वर्ड क्या जोड़ा? अब इसको और चेंज करते हैं। किसी स्थान या विशेष समय पर सौर्य रश्मियों के प्रभाव को कम करना या ज्यादा करना है, उसको नियंत्रित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन किसमें करते हैं? जलवायु में। सौर्य रश्मि कौन है? विकिरण। सौर्य विकिरण की ऊष्मा को कम करना या नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया को या उसके घटकों को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, वो सब किसमें अध्ययन करते हैं? हम लोग जलवायु में करते हैं। तो यानी ग्रीक भाषा का क्लाइमा है, और उसको क्या बन गया? ये क्लाइमेट बन गया। क्या बन गया? क्लाइमेट। तो अब ये क्या हो गए? दीर्घकालीन दशाएं हो गई। अब बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। पृथ्वी पर जितनी भी विभिन्नताएं हैं वो किसके कारण है? जलवायु के कारण है। सारी विभिन्नताएं जलवायु के कारण है। तो जलवायु के कारण तो धरातल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले किसका अध्ययन करना पड़ेगा हमें? जलवायु। प्रत्येक स्थान विशेष पर जलवायु इतनी सूक्ष्म होती है, इंटर रिलेशन इतना होता है कि उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और आज तक ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं आया जो इतना सूक्ष्म अध्ययन कर ले और पूरी तरह से पृथ्वी पर फिट बैठता हो। क्यों? पृथ्वी का झुकाव अलग है हर जगह, सूर्य की रश्मि का कोण का झुकाव अलग अलग है, तो उसको कार्य करने, उसको प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत सारे हैं। तो ये कारक क्या करते हैं? हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब सीधी सी भाषा में समझे, हमारा कमरा है, इस कमरे में रोज खिड़की खुलती है, हर सेकंड दो सेकंड में खिड़की खुलती है, तो ये क्या है? परिवर्तन है। इस कमरे को 30 साल तक बंद कर दिया तो ये क्या हो गया? जलवायु। तो जलवायु एक स्थिर दशा है। कैसी दशा है? स्थिर दशा है। जबकि मौसम अस्थिर दशा। कहा मैं अभी बिल्कुल सिंपल से कहता हूं, बार बार कहता हूं, मौसम की तरह ना बदल जाना। तो मौसम बदल जाता है, बाकी जलवायु नहीं बदलती। अब भारत का मानचित्र देखें अपन लोग, ये भारत का मानचित्र है। अब भारत में ऐसा स्थान देखो जहां मौसम बदलता ही नहीं है। हिमाचल वाला बदलता ही नहीं है, वो उत्तराखंड वाला बदलता है, थोड़ा बहुत बदलता है। तो वो क्या हो गया? हिमाचल की जलवायु, हिमाचल का जो मौसम है वो जलवायु है, जबकि भारत का जितना ही मौसम है वो सब मानसून है। क्यों? वो 6 महीने बदल जाता है और रोज बदल रहा है, इसलिए उसको तो मौसम बोला है। बदला है इसलिए तो मौसम बनाए, और मौसम से ही मानसून। कई बार पूछ लेते हैं मानसून, और फिर जलवायु लगा दिया। तो जलवायु तो एक दीर्घकालिक अवस्था है, मौसम मानसून का मतलब मौसम की घटना है, और मौसम का मतलब ऋतुवत परिवर्तनों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो मानसूनी जलवायु है। ऋतुवत परिवर्तन, और ऋतुवत किसका परिवर्तन है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखिए कौन सी पवन है? मानसूनी। और मानसूनी कौन सी? व्यापारिक। हर 6 महीने में व्यापारी पवनों की दिशाएं बदल जाती हैं। पवनों का प्रत्यावर्तन ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। या मौसमी दशाओं का पैरियोडिक 6 महीने का अध्ययन क्या कहलाता है? मानसून। और ये 30 वर्षों का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु। शाब्दिक अर्थ लेके हिंदी में जल प्लस वायु, इससे क्या निकल रहा है? जलवायु का मतलब जल तो है, वायु में 3 अवस्था है। कौन कौन सी है 3 अवस्था? आपने देखा है ठोस, तरल और
गैस। अब आप समझेंगे। ठोस में कौन आ गया? बर्फ। ठोस है कि नहीं? तरल, लिक्विड फॉर्म और गैस खुद है। तो यानी जलवायु एक तरह से एटमॉस्फेयर के संगठन को बता रहा है, कंपोजिशन को बता रहा है। तो हिंदी में ये क्या है? कंपोजिशन है। किसका है? एटमॉस्फेयर का। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के संगठन को हिंदी में जलवायु इंडिकेट कर रहा है। आपसे पूछे जलवायु का अर्थ क्या होता है? जल प्लस वायु, अर्थात एटमॉस्फेयर के संगठन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मौसम, और मौसम का जोड़ एग्रीगेट क्या कहलाए हमारा? क्लाइमेट। तो अब हम लोग बात करें तो जैसे मैंने वापस दो मौसम और जलवायु दोबारा देखें। और मौसम और जलवायु सबसे पहले किसने अध्ययन किया वो भी हम बात करेंगे अभी। तो मौसम में क्या हुआ? आपका योग हो गया और इसका सबका कंप्लीट क्या हो गया? जलवायु। तो इसका इंटीग्रेट, इसका समाकलन जलवायु, और इसका अवकलन क्या है? मौसम। यानी एक समाकलन है, एक अवकलन है, एक इंटीग्रेशन है और एक डिफरेंशिएशंस है। तो किसका डिफरेंशिएशंस है? ये जलवायु का। किसका इंटीग्रेशन है? मौसम का। यदि मुझे मौसम पढ़ना है जलवायु में से निकालना पड़ेगा, जलवायु में पढ़ना है तो सारे मौसम को योग करना पड़ेगा, औसत दशाओं का योग करना पड़ेगा। अब देखें सबसे पहले जलवायु का अध्ययन करने वाले कौन कौन से विद्वान थे या कौन सा स्कूल था जलवायु का अध्ययन? जलवायु का अध्ययन करने वाले सबसे पहले किन्होंने किया? ग्रीक स्कूल। सबसे ज्यादा श्रेय ग्रीक स्कूल को जाता है जलवायु की स्टडी। मेट्रोलॉजी में किसका? इस ग्रीक का। मेट्रोलॉजी में किसका है? ग्रीक का। मेट्रोलॉजी तो वही तो जलवायु है। अब देखें सबसे पहले जलवायु के अध्ययन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एरोटोस्तनीज। किसका? एरोटोस्तनीज। पहला भूगोलवेत्ता था जिसे रश्मियों का ज्ञान था, पृथ्वी के झुकाव का ज्ञान था, और सूर्य किरणें जब विश्व सॉरी जब कर्क रेखा पर सीधी चमक रही है तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति का नॉलेज किसको था? एरोटोस्तनीज। कर्क संक्रांति। तो यानी रश्मि के आधार पर, पृथ्वी के झुकाव के आधार पर रश्मि, रश्मि विकिरण, टेक्निकल वर्ड रश्मि बोलते हैं, इसको रेडिएशन कह दीजिए। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन। तो सन रेडिएशन के आधार पर एरोटोस्तनीज ने सबसे पहले जलवायु का अध्ययन किया। इससे एक कदम आगे निकल गए व्यक्ति, जलवायु की बात कर रहे हैं। और एक कदम आगे कौन निकला? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने सौर्य विकिरण के द्वारा, सौर्य विकिरण के आधार पर या रेडिएशन या रश्मि आधार पर क्या बनाया? ताप कटिबंध। ध्यान देना, ताप कटिबंध। और भाई आराम से, मैं पता है ताप कटिबंध ही जलवायु है, क्योंकि
क्यों? अभी जलवायु में क्या पड़ा? जलवायु में प्रभावित करने वाला तापमान, और तापमान से फिर हम लोग जलवायु आ गए। तो ये ताप कटिबंध ही आगे जाकर हमने क्या कह दिया? जलवायु कटिबंध। तो कितने ताप कटिबंध बनाए हिप्पोकस ने? 11 जलवायु प्रदेश, यानी पूरी पृथ्वी को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में किया? 11 में प्रदेश किया। इसके बाद अब मौसम की बात करेंगे, इससे आगे और चलते जाएंगे, बहुत सारे लोगों के हम बात करेंगे। सुपन महोदय ने भी इसका अध्ययन किया। सुपन ने जो अध्ययन किया वो क्या था? समताप, यानी समताप रेखा के आधार पर पृथ्वी को 5 ताप कटिबंध, और ताप ही क्या हो गया? जलवायु। और ये क्या हो गया? जलवायु। आपको लेके चले कोपेन, कोपेन का जो जलवायु था वो क्या था? ताप ही तो था। फिर उसने वनस्पति और जोड़ दी, तो ताप और वनस्पति को मिलाकर उसने जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। इसके बाद सुपन के बाद चलते हैं हम लोग अरस्तु। अरस्तु महोदय ने अपनी मेट्रोलॉजी का इस मेट्रोलॉजी का 4 खंड में है। यदि पूछा जाए आपसे, बताइए मेट्रोलॉजी का पुस्तक किसकी है? अरस्तु की। कितने खंडों में? 4। इन 4 खंड में 3 खंड तो हमारे भूगोल के हैं, और देखिए बड़े अच्छे खंड है 3। 3 के बाद करो चौथे हमें चर्चा नहीं करनी। तो पहला जो खंड था हमारा खगोल, क्योंकि भैया बिना एस्ट्रॉइड, बिना खगोल के तो हम कुछ नहीं कर सकते एस्ट्रोनॉमी के बिना, क्योंकि भूगोल सारी एस्ट्रोनॉमी है। कब सूर्य ग्रहण हो रहा है, कब चंद्र ग्रहण हो रहा है, कब सूर्य का झुकाव बदल रहा है, कब नहीं बदल रहा है, ये सारी क्या है? खगोलीय घटना है। तो खगोल। दूसरा भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, और जलवायु। यानी खगोल, भूगर्भ विज्ञान और जलवायु का अध्ययन किया। किसमें? मेट्रोलॉजी का। 3 खंड इसके हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा भूगोलविद्ता आता है जो क्या कहता है, और उसका नाम है बड़ा शानदार है, कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर कार्लो सावर ने कहा कि भूआकृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक भूदृश्य, वो क्योंकि अमेरिकन है और अमेरिका लैंडस्केप दिखता है, सांस्कृतिक भूदृश्य जलवायु के परिवर्तनों का प्रभाव है। यानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में किसका योगदान है? जलवायु का। यानी सांस्कृतिक भूदृश्य विभिन्नताओं का आधार ही जलवायु। कितनी बड़ी बात करती है। एक टेलर के पास चले और करें कि जलवायु के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। यानी मानव की उत्पत्ति, मानव का जो विकास है वो जलवायु में हुआ है। यदि ऐसी उचित जलवायु नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आप वैगनर के पास चले तो वैगनर भी तो यही करता है। जब वैगनर महाद्वीप विस्थापन करता है तो क्या करता है? धरातल को कई बार स्थिर मानता है, जलवायु को अस्थिर मानता है, जलवायु को स्थिर और धरातल को अस्थिर। तो 2 परिकल्पनाएं थी नहीं? तो उसमें भी जलवायु का स्थान दिया गया। यानी पूरे भूगोल में यही इंपॉर्टेंट देखा जाता है। यदि वो ज्योग्राफर है भी है, जलवायु का नॉलेज है, तो ही वो धरातल पर उपस्थित विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। क्या जलवायु के कारण मृदा के निर्माण में योगदान है, या मृदा की प्रकृति विभिन्नताएं हैं? यस, सब कुछ किसके कारण है? जलवायु। आज हमारे पास आ गया जलवायु। तो यानी कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य, बहुत बड़ा नाम है ये। तो सांस्कृतिक भूदृश्य भी किसके कारण परिवर्तन होते हैं? जलवायु के कारण परिवर्तन होते हैं।
तो अब चीज समझ में आई हमारे पास, किसने कितनी जलवायु वर्गीकरण की, बहुत लंबी कहता है। हम लोग हम ओपेन पे उसके बाद में जब जाएंगे, जब पहले छोटी छोटी सारी चीजें लें, मुझे लगता नहीं ओपेन हम पहुंच जाए आज, सारी चीजें देना पड़ेगा हमें। हाँ चले, अब आप लोग उतारें। मेट्रोलॉजी, मौसम के तत्व हैं ये, तापमान, वायुदाब, पवन, जलवाष्प, आर्द्रता, बादल। हो सकता है वायुमंडलीय ऊष्मा भी पूछ ले आपसे। बताइए वायुमंडलीय ऊष्मा किसका तत्व है? मौसम का, यानी वायुमंडल कहीं भी आ जाए तो मौसम, सीधी सी बात है। वायुमंडलीय दशा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वायुमंडलीय दशा। मौसम दशाओं का योग, समुच्चयन, दीर्घकालिक अवस्था 30 से 50 वर्ष, लेकिन बेटर होता है 30 वर्ष, 30 से 50 वर्ष औसत दशाओं का योग। किनका? मौसम की दशाओं का। फिर जलवायु के तत्व कौन कौन से? सागर तल से ऊंचाई, सागर तट से दूरी। आगे देखेंगे। इसको ऐसे कर लें। अध्ययन, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी में हो गए। ओके, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का अरस्तु, पूछा गया सवाल है मेट्रोलॉजी का, कौन कौन से प्रभाव है? धरातल, धरातल में स्थल को हम बोलते हैं, स्थल वे जल का प्रभाव या जल का वितरण, जल का प्रभाव या फिर वितरण। पीछे रह गए मेरा, चलिए कहाँ रह गए, उतार लीजिए, बोल दिया करो।
धरातल जल व थल का प्रभाव, पवनों का प्रभाव या पवन। कौन कौन सी पवन है आपको पता है? फिक्स सागरी धाराएं, ठंडी या गर्म, स्थायी एवं अर्धस्थायी वायुदाब। अस्थायी नहीं कर सकते ना अपन लोग उसको। उच्चावचीय प्रभाव, धरातल की प्रकृति, मिट्टी का रंग, स्वर। लगभग 8 लिख दी है हमने। तो पूछ सकता है इनमें निम्न में से कौन जलवायु का तत्व है, निम्न में से कौन मौसम के तत्व है। ठीक है, तो मौसम के तत्व मौसम से। यहां तक भी हम लोग बात करते हैं जलवायु में, हम लोग और देखेंगे अभी और डिफाइन करेंगे चीजों को। तार लिया ऊष्मा बजट के औसत योग को जलवायु कहते हैं। बताइए किसका? ऊष्मा बजट किसका है? ऊष्मा बजट वायुमंडल का है और उसका औसत योग क्या कहलाएगा? जलवायु। और ऊष्मा बजट का अध्ययन करना मौसम, यानी औसत मान की बात चर्चा कर ली जाए तो क्या हो गया? जलवायु। तो क्या वास्तविक अध्ययन है? औसत अध्ययन है, औसत अध्ययन है। वास्तविक थोड़ी औसत है। कितने वर्षों का? 30 साल। मैंने कहा 30 साल तक कमरे को बंद कर दो, जलवायु, खिड़कियां रोज खोलो, मौसम। यानी क्षणिक परिवर्तन है तो वो मौसम है, दीर्घकालीन परिवर्तन है तो जलवायु है। तो जलवायु किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? क्लाइमा, और इससे बन गया क्लाइमेटा। जलवायु क्लाइमा शब्द से है और क्लाइमा का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन। झुकाव ढाल अक्षांश। कोरोक्रोन, यानी कोरोक्रोन के संदर्भ में तो स्थान और समय के अनुसार अलग अलग जलवायु सब जगह। तो कई बार पूछा गया अक्षांशों का अध्ययन किस में करते हैं? जलवायु में। जब अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं ना हम लोग, जलवायु कटिबंध अक्षांश रेखाओं के द्वारा अध्ययन करते हैं हम लोग। तो जलवायु एक स्थिर दशा है और वायुमंडल अस्थिर दशा। हिंदी में जल प्लस वायु, यानी किसको इंगित कर रहा है ये? संगठन। किसका संगठन है? एटमॉस्फेयर का। ये देख लीजिए भाई, हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना, वो जलवायु और जलवायु दोनों तत्व किसके? वायुमंडल के। तो वायुमंडल का ही तो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दीर्घकालीन दशा है और वो अल्पकालीन दशा है। ठीक है, आगे देखें, बहुत सारी चीजें बात करेंगे हम लोग अभी। मौसम समाकलन है जलवायु के लिए, और जलवायु का अवकलन कौन है? मौसम। अरे भाई, मौसम को
उसको जोड़ेंगे तो जलवायु बनेगी, और जलवायु को काटेंगे तो क्या बनेगा, मौसम बनेगा। लेकिन टेक्निकल वर्ड अवकलन और समाकलन है ना, आती है ना, इन्हीं में आती है ना। इसको और हम कर ले, ये हो गया विभेदन, ये हो गया समुच्चय। ये क्या हो गया, विभेदन। इन चीजों को तुम्हें याद करना है, विभेदन और ये समुच्चय। वायुमंडलीय दशाओं का समुच्चय प्रभाव, जलवायु का विभेदन मौसम, एक इंटीग्रेशन की बात करता है, एक डिफरेंशिएशन की बात करता है, कितनी सी बात है एक, और सब क्या है, एवरेज योग है। ये टेक्निकल नहीं है, सही दृष्टि से नहीं है कि सबको एक औसत निकाल लो ना, एक मैथमेटिक्स हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, ये ठीक है, विभाजन कर सकते हैं। तो क्या जलवायु का सांख्यिकी रूप से स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, कभी नहीं खींच सकते, क्यों, परिवर्तन हो जाता है। कब, हवा, हवा स्थिर थोड़ी, बताइए, हवा आपके घर से दूसरे घर, दूसरे घर से आप घर, आप कैसे सीमांकन करोगे, आप बताइए, नहीं कर सकते। जलवायु का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, ग्रीक स्कूल ने सर्वप्रथम। ग्रीक स्कूल, और ग्रीक स्कूल में एरोटोस्नीच, इसे क्या था, कर्क संक्रांति का ज्ञान था। आपको बताएं, पृथ्वी की सबसे पहले परिधि की गणना करने वाला भूगोलविद था एरोटोस्नीच। इसको जलवायु को भूगोल, खगोल, भूगर्भ, भूगोल, तीन खंड उसमें, खगोल, भूगर्भ और भूगोल, किसमें, मेट्रोलॉजी का पूछा गया है, मेट्रोलॉजी पुस्तक है। कितने खंड में है ये, चार। इसने भी ग्लोब को कितने भागों में बांटा, पांच जलवायु भागों, अब एक एक करके हम लिखेंगे, अब टेक्निकल बस, हाँ आराम से।
डाल दिए। याद कर लेना भाई, छोटे से छोटा सवाल आप कोई सी एग्जाम देना आपको मिल जाएगा। ये बेसिक सवाल है, ये जैसे अपन लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जाम देना चाहे तो वहाँ क्या करते हैं अपन लोग, सीधे सीधे बात करते हैं, चलिए भाई कितने वर्गीकरण कोपेन ने कितने किए, तौन तो बेटे कितने किए, खत्म कहानी। समझ में नहीं आता क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट झुकाव है, किसकी ओर झुकाव है वो देखना पड़ेगा हमें, सूर्य की ओर झुकाव है या सूर्य के विपरीत झुकाव। अब हम लोग थोड़ी सी परिभाषा एक लिख लेते हैं, ठीक है, जो इसमें नहीं लिखवाई अपन ने। इसके बाद किसने क्या क्या वर्गीकरण किया वो भी हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। लिखे जलवायु में उतार लिया, चलिए लिखे जलवायु में मौसमी प्रक्रियाओं को जलवायु में मौसमी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले मौसमी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का समुच्चय अध्ययन होता है, कारकों का समुच्चय अध्ययन होता है। समुच्चय अध्ययन होता है यानी वायुमंडल दशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है ना उनको सबको जोड़ना है, समुच्चय करना है, योग करना है। लेकिन जलवायु मौसमी दशाओं का सांख्यिकी औसत योग ही नहीं है, मौसमी सांख्यिकी मौसमी दशाओं का औसत योग ही नहीं है, औसत दशाओं का योग ही नहीं है, इससे भी आगे है। ये परिभाषा है, इससे भी आगे है, यानी केवल हमें स्टैटिक्स नॉलेज नहीं रखनी है हमें, क्या स्टैटिक्स नॉलेज। अब यहां हमने क्या लिखा, औसत मान, ठीक है, आगे लाइन लिखे जलवायु में औसत मान, जलवायु में औसत मान पर जोर दिया जाता है, औसत मान पर जोर दिया जाता है। अब आगे लिखें, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने किया, यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने किया। एराटोस्थनीज महोदय ने, और सारे विद्वानों का नाम लिख दूंगा मैं, किसने क्या कहा वो सारा लिख दूंगा। एराटोस्थनीज महोदय ने सूर्य रश्मि के आधार पर
सूर्य रश्मि सोलर रेडिएशन के आधार पर, सोलर रेडिएशन के आधार पर सोलर रेडिएशन के आधार पर जलवायु का अध्ययन किया। ठीक है, इसके पश्चात हिप्पोकर्स ने, इसके पश्चात हिप्पोकर्स ने सौर्य रश्मि को आधार मानते हुए, हिप्पोकर्स ने सौर्य रश्मि को आधार मानते हुए ग्लोब को 11 ताप कटिबंध, ग्लोब को 11 ताप कटिबंध या जलवायु प्रदेश में विभाजित किया। अल मकदीसी अल मकदीसी ने, यारह भूगोल बेचता है मकदीसी, अल मकदीसी ने ग्लोब को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अल मकदीसी, अरस्तु एवं सोपन ने, अरस्तु एवं सोपन ने, ये दोनों कौन है? यूनानी है। कितने भागों में बांटा? 5। अरस्तु सोपन ने विश्व को 5 भागों में विभाजित किया, 5 भागों। ठीक है, अब कोई कैसे बांट रहा है, कोई कैसे बांट रहा है, वो सारा लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अरस्तु ने किसके आधार पर विभाजन किया? अक्षांश के आधार पर। और सुपन ने समताप रेखा के आधार पर, समताप रेखा के आधार पर। और कौन कौन समताप रेखा बनाई? 68 डिग्री फॉरनाइट और 50 डिग्री फॉरनाइट, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां अपन कर ले विभाजन, वैसे कर चुके हम लोग पहले भी। देखिए, अरस्तु बना रहा हूं मैं यहां पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाला जो प्रदेश है ये अलग,
तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये हो गया शीत, ये हो गया शीतोष्ण, और ये हो गया उष्ण। इसको कह दिया ट्रॉपिकल, इसको कह दिया टेम्परेट, इसको कह दिया फ्रिगिड। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिगिड, टोटल कितने हो गए? ये ताप कटिबंध भी कह सकते हो और जलवायु भी कह सकते हैं, या फिर किसके आधार पर किया हमने भैया ये? अक्षांश के आधार पर, और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? ज्योग्राफिकल डिविजन्स। ज्योग्राफिकल डिविजन्स, पृथ्वी को कितने ज्योग्राफिकल मेजर डिविजन्स में बांटा है? पांच। ये पांच मेजर डिविजन्स है, किसके आधार पर? ये लैटिट्यूड के आधार पर है, ठीक है। अब चलते हैं सोपन के पास। ये हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, वही पांच। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्ण कटिबंध को कौन सी रेखा बंद करती है? बेस। शीतोष्ण कटिबंध का निर्धारण किससे करते हैं? 20 से 10 डिग्री। शीत कटिबंध का निर्धारण किससे करते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा। कौन सी रेखा है ये? समताप रेखा। तो यूनानी भूगोलवेत्ता सुपन के अनुसार शीत कटिबंध किस रेखा के द्वारा बंधित है या किस रेखा के द्वारा सीमांकन किया गया है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के द्वारा सीमांकन किया है, बाउंड्री बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर हम लोग कहते हैं थोड़ा सा और भाग जान, क्योंकि जलवायु पढ़ रहे हैं हम लोग। अब पहले हम लोग तापमान पढ़ रहे थे, वहां हमने चर्चा नहीं करे थे, अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये वाला जो जगह है इसको कहा ये पाम, पाम सुना है ना अपने, ताड़, ठीक है। ताड़ के जो वृक्ष हैं इनकी सीमा रेखा है कौन सी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी ताड़ के जो वृक्ष पाए जाएंगे वो कौन सी रेखा में पाए जाएंगे? वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के अंतर्गत पाए जाएंगे। क्यों? इसका मतलब यहाँ तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है। अब आपसे कोई पूछे बताइए ताड़ की विशेषताएं बताइए, क्लाइमेट कंडीशन बताइए, तो कह सकते हैं कि मैं टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल भी ज्यादा होनी चाहिए। और इसको कह दिया वृक्षों की अर्थात वनों की सीमा, वनों की सीमा। तो वनों की सीमा कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड और पाम की सीमा कितनी है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सुपन की बात है। तो जलवायु पता लग गया हमें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो समताप रेखा है उससे ऊपर वन नहीं पाए जाते। वनों की अंतिम सीमा बताइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा, इंडिकेट कर लें इसको ही।
फॉरेस्ट बाउंड्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पाम फॉरेस्ट पाम ट्रीच की बाउंड्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड रेखा। कौन सी रेखा है? आइसो थर्मल समताप रेखा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए अरस्तु और सुपर। अभी तो बहुत लंबी कहानी है, अभी रुकेंगे थोड़े, बहुत लंबा चलेंगे। अब देखिए मौसम का कौन कौन से तत्व, और जलवायु के या मौसम के देख लें तो पहले कौन सा आ गया? तापमान देख लिया हमने। अब तापमान के बाद वायुदाब भी देख लेंगे, क्योंकि वायुदाब भी इससे रिलेट है, ठीक है। तो अब पवन की बात कर लें। पवन के आधार जलवायु वर्गीकरण, पवन के आधार पर जलवायु वर्गीकरण बताइए। पवन के आधार पर यदि कर दिया, क्योंकि वो भी तो घटक है ना मौसम का, तो मौसम का घटक है तो वो उसको नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो किसने किया? बड़ा अच्छा भूगोल वेत्ता है डेविस, डेविस ने, अमेरिका का वो आकृति वेत्ता जिमोर्फोलॉजिस्ट डेविस ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला शांत पेटी, अब बताइए कौन सी है शांत पेटी? डॉल्ड्रम, डॉल्ड्रम पेटी। दूसरी पेटी शीतोष्ण पेटी, तीसरी है शीत पेटी। यह हवा कैसी है? शांत रूप से चलती है। यह तीव्र गति से, किस पेटी में हवाएं तीव्र गति से चलती है? शीतोष्ण पेटी में। कौन सी? चालीसा। और चालीसा को क्या कहा हमने? गरजती या भयंकर? गरजती, गरजती चालीसा, भयंकर 50 और चीखती 60। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, इसलिए उसका नाम यहां पर हम 40, 50 और 60। ये कौन से हुए? शीत कटिबंध। और यहां पर जो हवाएं चलती हैं भ्रमण रूप में, भ्रमण मतलब भ्रमित होना, एडिच होना, भंवर के रूप में, ध्रुवीय क्षेत्र में भंवर ज्यादा होते हैं। क्यों? कॉर्नियस बल ज्यादा है, इसलिए भंवर ज्यादा है। और यह बर्फ आवरण है, इसलिए यहां बर्फीले तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान। बर्फीले तूफान शीत पेटी में, शीतोष्ण में तीव्र गति से चलने वाली पवन है, शांत पेटी में हवा शांत है। तो पवन के आधार पर डेविस महोदय ने पूरे ग्लोब को 3 भागों में बांटा। और देखें वनस्पति के आधार पर, क्योंकि वनस्पति भी लेना पड़ेगा, आर्द्रता लेंगे, आर्द्रता बाद में लूंगा मैं। वनस्पति के आधार पर
वनस्पति के आधार पर। कौन कौन से हैं देखिए, कौन कौन से भूगोलविद हैं। पहले तो हम लोग बात करें 1905 में हर्बर्टसन ने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। प्राकृतिक प्रदेशों में, यहां से सवाल डेफिनेट आता है। अब हो सकता है कई साल से नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। तो 15 प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? हर्बर्टसन। कब किया? 1905। एक बार डेटा याद करो, दूसरी बार नहीं। इसी में से डेटा हो रहा 15। 1905, 15 वर्ष। और ये क्या है? हर्बर्ट, बोलने में गलती कर दो, हर्बर, हर्बल, हर्बल हरा भरा, हरा भरा वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड करने वाला भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन 1905 15 हो गया। उसी में से ढूंढना है शब्द को। सबसे बड़ी कला होनी चाहिए विद्यार्थी के पास, जहां से पढ़े उसी में से डेटा चोरी कर लो, परमानेंट हो जाएगा। अभी इसमें और चले, सामान्यतया सामान्यतया 11 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। वनस्पति प्रदेशों में, अब बताइए 11 वनस्पति प्रदेश। विद्वान का नाम था तो 15 कर दिए हमने। सामान्य आगे पहला ये चीज है कि सामान्य में वनस्पति कम रह गई, अन्यथा सामान्य में हमेशा विभाजन ज्यादा होते हैं। जलवायु के साथ कहानी है। अब देखिए कौन कौन सी। पहला एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब समझ रहे हैं? हरे भरे सदाबहार वन। स्वतः सदाबहार वनस्पति कहाँ है? अब जहां जहां पर सदाबहार है वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन रीजन उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एवरग्रीन है। दूसरा लाइट ग्रीन, यानी पश्चिमी घाट की बात करें अपन तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग एवरग्रीन है और पूर्वी भाग आपका लाइट है। और चले पश्चिमी घाट पूरा एवरग्रीन है तो पूर्वी, उत्तरी पूर्वी हिमालय लाइट ग्रीन है। आप जब इसका ज्योलॉजिकल अपना जो 3D मैप देखेंगे या रिमोट सेंसिंग से हम उसका फोटो लेंगे तो भारत का पश्चिमी जो घाट है वो एवरग्रीन दिखाई देगा और उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो लाइट ग्रीन दिखाई देगा। हरे भरे तो है लेकिन कम हरे भरे हैं। दूसरा तीसरा श्रब और थॉर्न। श्रब और थॉर्न कटीली झाड़ियां, कटीले एवं झाड़ी। यह है झाड़ी और यह है कटीले, कटीले। तो ये कटीले और ये झाड़ी श्रब। भाई वो भी तो है ना भाई, कटीले श्रब झाड़ी नहीं होंगे तो हमारे जो पूर्वज थे जो चरवाहे थे, चलवासी थे और बकरी भेड़ पालते थे और गाय पालते थे तो उनके लिए क्या होते थे? झाड़ी और कटीले, उनमें वो खास खाते थे।
तो वो जरूरी थी, अब खत्म हो गए खैर ये एरिया। तीसरा चौथा, अब देखिए एवर ग्रीन, लाइट ग्रीन, झाड़ी आ गई तो पतझड़ की भी बात कर ले, पतझड़ वन। अब बताइए भारत की जो मानसूनी वनस्पति है वो कैसी है? पतझड़ है, ये लीजिए, तो मानसून वन पतझड़ है। अब इसके बाद स्टेपी, सवाना, भूमध्य, सागरी, भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन। इसके बाद कौन सा रह गया? देखिए टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति। टैंगा वनस्पति, चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति। और नुकुली पत्ते वाले। तो कितने प्रत्यक्ष हो गए? 11। एवरग्रीन, लाइट ग्रीन, सब थॉर्न, पतझड़, स्टेपी, सवाना, भूमध्य सागरीय, टुंड्रा, टैंगा, चौड़ी पत्ती वाले, नुकुली पत्ती वाले वनस्पति। तो अकॉर्डिंग टू वनस्पति 11। अब लेकिन यहां पर भी रुकी नहीं, एक विद्वान और आया 1874 में, वो था कैंडाले। कैंडाले कैंडाले आए। कैंडाले ने 4 और 1 5 5 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया। वनस्पति प्रदेश, इससे कौन प्रभावित हुआ? कोपेन प्रभावित हुआ था। तो कोपेन इससे प्रभावित था, कैंडाले से। और ये कैंडाले कहां का था? फ्रांस का था। कई बार पूछ लेता है कैंडाले कौन प्रभावित था, कोपेन। इसी से एक और जुड़ा हुआ था हम्बोल्ट। हम्बोल्ट भी वनस्पति शास्त्री था और यह भी वनस्पति दोस्त था इसका, मित्र बन गया था फ्रांस में जाके। तो हम्बोल्ट का मित्र कौन? कैंडाले। और कैंडाले से प्रभावित कौन? कोपे। तो हम्बोल्ट भी वनस्पति की बात करता है लेकिन वर्णन नहीं करता, प्रदेशों का वर्णन नहीं करता है। अब इसमें कौन कौन से बनाए इसने? मेगा थर्मल, मेगा थर्मल, ठीक है। और ये देखे 0 5। तीसरा मेघा के बाद मैसो, मैसो थर्मल। इसके बाद माइक्रो थर्मल,
इसके बाद एक्स्ट्रो थर्मल, एक्स्ट्रो थर्मल, एक्स्ट्रो थर्मल। तो कैंडाले ने पूरे विश्व को पांच भागों बांटा, मेगा, जीरो, मैसो, माइक्रो, एक्स्ट्रो। तापमान भी रखा इसने और वनस्पति को भी साथ में रखा। तो विश्व को वनस्पति प्रदेश में सबसे पहले किसने विभाजित किया? कैंडाले, क्योंकि वो 1905 में आया था प्राकृतिक प्रदेश वाला, तो ये पहले आ गया सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम कैंडाले। अभी रुकेंगे नहीं, अभी तो और बहुत सारे हैं। अभी तो उतार लिया भाई। अब वर्षा के आधार पर ठीक है, तो वर्षा के आधार पर देखिए, सीधी सी बात है, हमारी वर्षा कितनी है ये ध्यान रखें, या हम कह सकते हैं इसको आर्द्रता भी कह सकते हैं, लेकिन वर्षा एक सही वर्ड है। आप देखिए, जैसे हमारे क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, और जैसे जैसे पानी कम करते जाएंगे एक बाल्टी से, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, आर्द्रता की मात्रा कम होती जाएगी। तो अब देखिए सबसे ज्यादा, अब मान लो बाल्टी हमारी खाली है, तो कौन सी जलवायु है? वो शुष्क जलवायु। बाल्टी पूरी खाली है और बाल्टी को थोड़ा सा मैंने आधा भर दिया, तो क्या हो गया? वो अर्ध शुष्क जलवायु। थोड़ा सा और भर दिया तो क्या हो गया? वो उप आर्द्र जलवायु। थोड़ा सा पानी और डाल दिया तो क्या हो गया? वो आर्द्र, और फुल कर दिया पूरी तरह से, पूरी बाल्टी भर दी तो क्या हो गया? वो अति आर्द्र। ये लीजिए, तो शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिड। इसको बोलते हैं वेट, इसको सब ह्यूमिड, इसको क्या बोलते हैं? सेमी एरिड, और इसको क्या बोलते हैं? एरिड। अब मान लो पूछ लिया जाए, बताइए राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? पांच। कितने बांटा गया है? पांच। क्या आधार है वो? वर्षा के आधार पर। तो शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो यहां पर हम लोग राजस्थान को सामान्यतया, कैसा? सामान्यतया पांच भागों में बांटा गया है। रटना नहीं है, और वो कौन है? ये रे पांच। अब मान लो आपको वर्षा याद नहीं होती है, वो जो थोड़ी सारी चीजें डेटा याद हो, तो देखिए डेटा भी याद हो जानी चाहिए। आज यहां जो वर्षा है, 0 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, हो सकता है कई एग्जामिनर 20 मान ले उसको, वो इशू नहीं है, ध्यान रखना, या तो 20 मानेगा या फिर
25 मानेगा, 20 मानेगा तो 20 के हिसाब से रेशो निकाल लेना, 25 मानेंगे तो 25 के रेशो। वर्गीकरण समान रूप से करते हैं, स्टैटिक डिवीजन से। अब स्टैटिक डिवीजन में क्या होगा, बराबर होगा ना, क्या हो गया ये 25 से 50 सेंटीमीटर। अब बताइए राजस्थान की जो जलवायु है वो कौन सी है, अर्ध शुष्क जलवायु है, और राजस्थान का एवरेज रेनफॉल भी लगभग 50 है, लगभग 50 है, 57.5, 57 पॉइंट इस तरह, 57 पॉइंट कुछ है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क है, क्यों, क्योंकि इसी रेंज में आती है राजस्थान में टोटल रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, मतलब जलवायु क्या है, औसत मान है, एवरेज रेनफॉल कितनी है हमारी 50 है। तो राजस्थान की जलवायु भी अब आराम से कर देना, ये राजस्थान की जलवायु है। अब आपसे पूछे बताओ भारत की जलवायु, तो इनमें नहीं कर सकते क्योंकि मानसून है वो तो स्थिर थोड़ी है, हर 6 महीने बदल जाता है। अच्छा अब आते हैं इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो कौन सी जलवायु है, अति आद्र। आपसे पूछा गया अति आद्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 100, बच्चा रट के जाता है 100, 150, 150, अरे रटो मत, यहां से कर लो, यदि ऐसे करें 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से ज्यादा, लेकिन बेटर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वर्षा के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है विश्व को, 5 भागों में, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से ज्यादा, ठीक है। अब चलते हैं, वर्षा हो गई, अब है स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर अब देखिए हम कहां रह रहे हो, आप महाद्वीप पर रह रहे हो, तो कौन सी जलवायु है वहां पर, महाद्वीपीय जलवायु। कोपेन पढ़ेंगे तो वहां लिखने का यहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, और महाद्वीपीयता का सिद्धांत किसका था, हम्बोल्ट का, यही घूम फिर के आ रहे चीजें। दूसरा महासागरीय जलवायु, तीसरा महाद्वीप हो गया, महासागरीय हो गया, तटीय जलवायु होता है नहीं होता है, मरुस्थलीय जलवायु, पर्वत पर रह रहे हो तो कौन सी जलवायु है, पर्वतीय जलवायु। महाद्वीपीय, महासागरीय, तटीय और मरुस्थलीय जलवायु किसके आधार पर, ये स्थिति आप कहां रह रहे हो उसके आधार पर है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर भागमत नहीं रह रहे हम लोग, उस पर रहते तो हम लोग वहां जलवायु नहीं करते, क्योंकि जलवायु क्या है, एटमोस्फियर और पृथ्वी, इन दोनों का एक इंटीग्रेशन रिलेशन है, इन दोनों के परिणाम से एक नया जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिससे अब देखें जलवायु क्या है,
जलवायु वायुमंडल की या मौसम की दशा, जैसे मानव का स्वास्थ्य, मानव का स्वभाव आदि चीजें परिवर्तन होती है। किससे परिवर्तन होते हैं? जलवायु से। यहां पर हम लोग चले उसके पास, सैंपल के पास। सैंपल ने तो क्या कह दिया था, मानव के रोम रोम में बसी है प्रकृति, और प्रकृति कौन है? जलवायु। भौतिक दशा है, वातावरणीय दशा है। तो वातावरणीय दशाएं मानव के रोम रोम में बसी है, उसी के अनुसार मानव अपने कार्य करता है। ये देखिए, तो वो क्या हो गया? नियतिवादी हो गए। चीजें क्लियर? तो देखे, स्थिति देख ली हमने, वनस्पति देख लिए, तापमान देख लिए, समताप रेखा देख ली, और बाकी वर्षा देख लिया। इसके आधार पर हमने जलवायु का प्रदेश देख लिया, वर्गीकरण किया। अब हम आते हैं, अब ये जो वर्गीकरण है, स्कीम है, या ये जो वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण का कोई ना कोई योजना तो होगी, कोई आधार तो होगा। अध्ययन पद्धति या अप्रोच, अप्रोच क्या हो रहा है, अप्रोच या मैथोडोलॉजी या उपाग, आपकी क्या अप्रोच है, आप किस अप्रोच से पढ़ रहे हो? तो जलवायु वर्गीकरण की कोई अध्ययन पद्धति है, अप्रोच है। यस, कितने प्रकार के अप्रोच होती है हमारे यहां? तीन प्रकार। अप्रोच तीन प्रकार के अप्रोच, यानी अब तक हमने क्या पढ़ा? जलवायु के बारे में पढ़ा, क्या है जलवायु, कि लोगों ने कितना कितना वर्गीकरण किया। अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पर आते हैं, अध्ययन पद्धति अभी भी नहीं। तो अध्ययन पद्धति पहली है आनुभाविक एम्पेरिकल, दूसरा है आनुवांशिक को जेनेटिक, तीसरा है अप्लाइड फंक्शनल हिंदी में अनुप्रयुक्त या प्रकार है। तो यानी तीन प्रकार से हम लोग किसी जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। पहला एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब अनुभाविक, अनुवांशिक, और तीसरा है अनुप्रयुक्त प्रकार है। ठीक है, अब अनुवांशिक क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और अप्लाइड क्या है वो भी देखेंगे। चलिए देखिए, मैं अभी यहां पर थोड़ी सी देखेंगे। अनुभाविक को हम लोग क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल का हिंदी में अर्थ होता है चीर सम्मत, या कह सकते हैं हम लोग पुरातन विधि। मैं हमेशा एक चीज बात करता हूं बहुत ज्यादा, हमारे किसान क्या करते हैं, अभी धूप में बैठे हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो एक बच्चा बैठा हुआ, ऊपर क्यों देख रहे हो, ऊपर वाले से क्या बात कर रहे हो क्या? हाँ, बोले बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास तो टेलीफोन है, मोबाइल है, 4G है, 5G आने वाला है, हमारे पास कहाँ 4G 5G। तो ऊपर वाले से बात करते हैं वो,
और ऊपर वाले से देखते हैं और फिर कहते हैं भैया मौसम खराब होने वाला है। तो वो उसके पास बेटा बेटा पापा आप दादाजी आपको क्या पता मौसम खराब होगा, ऊपर वाले से कांटेक्ट किया है क्या आपने? इसने कहा हाँ हमें अनुभव है इस बात का। क्या है हमें अनुभव है। अनुभव में क्या होता है चीजें देखिए। अब आपसे पूछे मैं एक सिंपल सी बात करूं अनुभव क्या होता है और सिंपल सी बात। जैसे हम लोग बात करें फागे की बात करें दूधू की बात करें तो दूधू पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, एक घंटा नहीं 1.5 घंटे लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले मैं रोज जाता हूं और आता। इसका मतलब उन्हें अनुभव है मुझे अनुभव नहीं। अनुभव होगा वही तो बताएगा। आपसे पूछे भी जंतर मंतर रास्ता बताना तो जो जाया बता देगा ऐसे से जा जंतर मंतर मिल जाएगा। जो नहीं गया वो जयपुर में है लेकिन पता नहीं कहाँ है जंतर मंतर। तो ये क्या है अनुभव है। अनुभव कब आया? जब आपने जाकर उसे देखा तभी तो आया ना। तो यानी आपने क्या किया उसको ऑब्जर्वेशन किया नहीं किया। ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अवलोकन। क्या? अवलोकन ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में और हम बोले बड़े कठिन वर्ड है प्रेक्षे प्रेक्षित। बताइए प्रेक्षित याद होता ही नहीं। अवलोकन। अब मैंने भी कहा ना कितनी दूर है। अब मैंने पूछा फागी या अजमेर या हमने पूछा जंतर मंतर या हवा महल। हवा महल अच्छा है ना। एक बार हम लोग चुटकुले पढ़ रहे थे या भाई हम बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में आगे हैं। बोले कि इसका एक अंग्रेज पूछा ये क्या है? ये हवा महल है। बोले ये कैसे? अभी अपन आए थे तब था नहीं, अब बना दिया है। ये हमारी टेक्नोलॉजी हवा में ही बना दिया इसलिए इसको हवा महल कह दिया। तो ये हमारे टेक्निक्स है। तो अब इसकी टेक्निक्स के अनुभव की तो मैंने पूछा कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। नहीं 48 किलोमीटर है। इसका मतलब अनुभव है। तो यहां क्या हो गया नया जो वर्ड निकल के आया ये मात्रात्मक विधि है। कौन सी विधि है? ये मात्रात्मक विधि है। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। तो अनुभाविक में कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग? क्लासिकल स्टडी है, अनुभव का सहारा लेते हैं, अवलोकन का सहारा लेते हैं, मात्रात्मक का सहारा लेते हैं, वस्तुनिष्ठ का सहारा लेते हैं। मात्रात्मक का क्या अर्थ होता है? संख्यात्मक। कौन है? संख्यात्मक है। तो ये संख्यात्मक स्टडी है। अब चलें इसमें और। अब देखिए उस समय क्या करते थे? धूप में बैठ जाते, तापमान देखते थे, तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है तो तापमान के आंकड़ों का सहारा लेते हैं। तापमान के आंकड़े। अब देखिए मैंने यहां आंकड़े लिख दिया है इसका मतलब भी आप समझ गए डेटा। और डेटा क्या है हमारा? संख्यात्मक है। और डेटा है तो ही तो क्या है वो? वस्तुनिष्ठ है। अपन OMR चेक करते हैं, OMR पेपर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वे ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव। क्यों? रिजल्ट नंबर में आएंगे, फटाफट आ जाएंगे। सही है तो 1 नंबर, गलत है तो 0 नंबर या माइनस। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होगा? सही है तो आधा नंबर हो जाएगा लेकिन 1 नहीं मिलेगा। तो वो क्या है? सब्जेक्टिव है। ये क्या है? मात्रात्मक है। मात्रात्मक है और ये अनुभाविक भी अनुभाविक है। हमारे गांव में क्या कहते हैं देखिए आपको पता है यदि किसी गांव को देखना है किसी गांव की शोभा देखनी है तो बाड़ा देख लीजिए गांव की शोभा का पता लग जाएगा। तो गांव में एंट्री करते हैं पता लग जाएगा गांव कैसा है।
क्योंकि बाहर जो बाड़े होते हैं ना उसको देख के पता लग जाता है। तो जलवायु का अध्ययन करने के लिए कौन सा बाड़ा चाहिए? चाहिए ना कोई ना कोई बाड़ा, तो क्या चाहिए? वनस्पति। वहां की वनस्पति देख लो और जलवायु का पता कर लो। मान लो बबूल मिल रहे हैं वहां, जिसका मतलब वो आर्द्रशुष्क अशुष्क जलवायु है। मान लो वहां सदाबहार वन मिल रहे हैं तो शुष्क और अर्धशुष्क नहीं, तो ये क्या है? वनस्पति है। तो वनस्पति का सहारा अब हम लिखेंगे, कौन कौन से भूगोलवेत्ता लेते हैं, कैसे लेंगे वो हम लोग लिखेंगे। तो अनुभाविक में कौन कौन सी डेटाओं का सहारा लेते हैं हम लोग? अनुभव का, एम्पेरिकल का, क्लासिकल का, अवलोकन का, टेम्परेचर का, वेजिटेशन का, डेटाओं का सहारा, ऑब्जेक्टिव, मात्रात्मक, संख्यात्मक, ये सारी की सारी चीजें। अब जैसे मान लो, अब इसका प्रतिनिधि बोल देता हूं मैं, अभी मुख्य प्रतिनिधि, मैन प्रतिनिधि और भी है होने को, तो मैन बोल देता हूं, मैन रिप्रेजेंटेटिव कोपेन। कौन है इसका? कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। पुतिन मत कर देना क्योंकि चल रहा है अभी, ये सुनने मारा 2036 तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा। बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, वो पद छोड़ नहीं रहा है और नियम बदल लेता है, हर बार नियम बदल देता है। पहले रूल्स था कि 2 साल 2 बार कार्यकाल रहेगा, उसके बाद राष्ट्रपति बनेगा, फिर क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री बन गया, अपने आदमी को बना दिया राष्ट्रपति, पर नियम चेंज करा दिया और फिर इसको हटा के और फिर क्या बन गया? खुद राष्ट्रपति। और अब फिर कर रहा है, दो लगातार हो जाएगा, फिर दोबारा चेंज कर रहा है कि कोई व्यक्ति और साल भी बन सकता है। तो ये कोपेन है। अब रटते हैं हम लोग कैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बताइए कोपेन का वर्गीकरण था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अनुभाविक, अनुभाविक संख्यात्मक, मात्रात्मक, अनुभाविक मात्रात्मक, कंफ्यूजन होता, रटते हैं, क्यों रटेंगे? ये रहा, आप कुछ ही पूछ ले, कोपेन ने किसका सहारा लिया? तापमान का सहारा लिया, वनस्पति का सहारा लिया। और ये किस पर जोड़ देता है? स्टैटिक्स का। ये नहीं, मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, लिखवाई परिभाषा, मैंने ज्यादा लिखवाई नहीं, जलवायु मौसम की औसत दशाओं के योग से भी और भी आगे, लेकिन ये बाहर नहीं गया, ये कहां तक गया? ये औसत दशा। तो औसत मान का प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? कोपेन। कहते ना भैया हमें पता है, हमें पता है, क्यों? उन्होंने देखा है चीजें। तो ये किसकी बात करेगा? ये औसत मान, ये अंडरलाइन कर लेना, सवाल जो पूछे जाते हैं औसत मान वनस्पति, स्पेशली कोपेन के लिए। अब चलते हैं हम लोग जेनेटिक्स की बात, आनुवांशिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप किताब में देखेंगे नहीं मिलेंगे चीजें, ये रिसर्च मेथोलॉजी हमारी, तो रिसर्च मेथोलॉजी में काम आता है। तो रिसर्च मेथोलॉजी का हम लोग यहां इनपुट कर रहे हैं। यदि हम लोग सीधे आते ना तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण शुरू कर देते अब तक हम लोग, फिर हम भी क्या करते? रट्टा मारते। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कैसा है? अनुभाविक है। अब आप बता सकते हैं अनुभाविक क्यों है? क्योंकि इन डेटाओं का सहारा उसने लिया था। ठीक है, कॉलेज लेक्चर के एग्जाम दोगे भविष्य में, इतने सवाल पूछते हैं, वो छोटे छोटे घायल हो जाते हैं हम लोग, सवाल कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आ रहा इसको करें या इसको करें, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। क्यों? वो बेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप देखें जेनेटिक्स, आप नेट देखें तो नेट में इतना सिंपल सवाल पूछते हैं, बाहर निकल के आते हैं बच्चे, मैंने पूछा पूछता हूँ पेपर कैसा हुआ, अरे सब पेपर बड़ा सीधा था, बहुत सीधा था, तो मैं मेरिट तो ऊपर जाएगी, अरे सब मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, रिजल्ट आता है तो मेरिट वही रह जाती है, क्या हुआ? वो सब सीधा सवाल थे, वो गलत हो गए तो सीधे सवाल ही नहीं है, सीधा पढ़ते नहीं, हम पढ़ते कठिन, परिभाषा रट लो विद्वान की, सन रट लो विद्वान के, ना तो सन पूछ रहा है आजकल, ना परिभाषा पूछ रहा है, छोटी छोटी बेसिक सवाल पूछ रहा है, एनसीईआरटी बेस सवाल पूछता है, और हम लोग इनसे भागते हैं दूर। अब जेनेटिक्स, आनुवांशिक उत्पत्ति, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पत्ति संबंधी कारक।
उत्पत्ति संबंधी कारकों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति संबंधित कारकों का अध्ययन करते हैं। हमने एक बार पूछा कि भाई द्राविड़ और आर्य में क्या फर्क है, द्राविड़ और आर्य में क्या फर्क है? उत्पत्ति का फर्क है, अनुवांशिक फर्क है। आर्य कहां से आए, द्राविड़ कहां से आए, ये पता है। उनको उत्पत्ति कहां से हुई है, चीजें क्लियर, उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो उत्पत्ति यानी उनके जनन स्थान क्या है, जनन कारण कौन से है, जेनेटिक्स क्या है। यानी उत्पत्ति की संबंधित बात करें यहां पर इनकी बात, उत्पत्ति की संबंधित बात करें, उत्पत्ति के कारणों की बात करें, इसे हम जन उत्पत्ति या उत्पत्ति कारणों की बात करें तो क्या हो गया, अनुभव हो गया। जैसे वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है, उत्पत्ति, आप देखना पड़ेगा क्यों ज्यादा हो रही है, तो उत्पत्ति के कारण देखेंगे। बादल क्यों बन रहे हैं यहां पर, हवाएं क्यों चल रही है यहां पर, ये सारे क्या है, उत्पत्ति है। तो इसके लिए क्या हो गया, बड़ा सिंपल है। यहां पर पहला भूगोल बीतता है यहां फ्लॉन, कौन है, फ्लॉन। दूसरा हेडली, तीसरा फायरल। इसको याद कर सकते हैं, फ्लॉ। निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता जेनेटिक्स है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दृष्टि से, हम क्या बात कर रहे हैं, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यानी उत्पत्ति से कोई भी संबंधित बात करे, वर्षा के उत्पत्ति के कारण, वर्षा को बादल कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये सारे कारण किस में आएंगे, उत्पत्ति से। अब आ गया हमारा अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है समस्या का समाधान करना, यानी उस जलवायु का उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस जलवायु का उस व्यक्ति पर, स्वास्थ्य पर, मानव के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो गया, अप्लाइड। अप्लाई याद नहीं हो तो फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है कार्य, किस जलवायु में कैसे कार्य किए जाते हैं। अब चलते हैं विषुवतरेखीय जलवायु। अब विषुवतरेखीय जलवायु में भैया कौन से काम करेंगे, वहां पर खेती बाड़ी कर नहीं सकते, वहां क्या करेंगे, शिकार करेंगे, शिकार करेंगे ना वो लोग, और आखेट करेंगे। पिग्मी क्या करेगा, आखेट, शिकार करेगा। क्यों, क्योंकि उनकी जलवायु ऐसी है। तो जलवायु के प्रभाव का अध्ययन करना, उसके आधार पर वर्गीकरण करना अप्लाइड है, या किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए एक फॉर्मूला बनाना, उनका प्रयोग करना, उनका टेस्ट करना। तो सारे टेस्टिंग मॉडल कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे, कहाँ, इस रीजनल स्टडी में। जैसे हमने हम्बोल्ट पढ़ा, हम्बोल्ट ने क्या कहा कि जैसे जैसे दूर जाते हैं सागर तट से दूर, तो तापीय विषमता बढ़ जाती है। तो आपने कहा एक नग्न है, इसका सा अप्लाइड तो करो, तो किया अप्लाइड, हम अपने राजस्थान में आ गए, राजस्थान में आ गए तो समुद्र तट से दूर जितनी ज्यादा दूरी पर है वहां पर क्या हुआ, तापीय विषमता बढ़ गई। तो चलते चूरू में, तापीय विषमता बढ़ जाती है वहां पर, सर्दी में ज्यादा सर्दी और गर्मी में ज्यादा गर्मी, क्या हो गया, तापीय विषमता। तो इसको हमने क्या किया, अप्लाइड। इसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या बनाए जाते हैं, फॉर्मूला बनाए जाते हैं, सूत्रों का सहारा। यानी समस्या के समाधान करने के लिए क्या बनाना पड़ा मुझे, फॉर्मूला बनाना पड़े, सूत्र बनाने पड़े समस्या का समाधान। समस्या का समाधान करना,
इसको व्यवहारिक भी बोलते हैं, व्यवहारिक, व्यवहारिक तथ्य। कैसे भाई? जलवायु का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, सूत्रों का सहारा, समस्या का समाधान, फॉर्मूले बनाए, और फिर इसमें इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है पेन छूटेगा, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ा सिंपल आदमी है, और वो कौन है? त्रिवार्ता। त्रिवार्ता अब रह गया हमारे पास एक व्यक्ति, कौन है? थॉर्न थ्वेट। तो थॉर्न थ्वेट इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। मैं यहां लिखता हूं थॉर्न थ्वेट, इसमें भी आ गया। थॉर्न थ्वेट का जलवायु वर्गीकरण का कौन सा वर्गीकरण था? आनुभाविक अनुप्रयुक्त, मात्रात्मक अनुप्रयुक्त अध्ययन किसका था? थॉर्न थ्वेट का। इसका क्या था? केवल अनुभाविक मात्रात्मक था। इसका मात्रा के साथ व्यवहारिक अध्ययन, और इसका केवल व्यवहारिक अध्ययन है। इसमें क्या किया? देखिए, ध्यान देना, क्लासिक, उत्पत्ति, और ये प्रभाव, वर्षा के कारण और वाष्पीकरण के कारण। तो कारणों पर चर्चा कहां करते हैं? ये यहां पर। तो वर्षा की चर्चा यहां पर, वर्षा का प्रभाव यहां पर, उत्पत्ति ये रहा, कारण ये रहा, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर किसने वर्णन किया? त्रिवार्ता ने। और सामान्य वर्गीकरण भी क्या है? वर्षा के आधार पर है। तो इसको हम यह कह सकते हैं, ये जो वर्गीकरण है जगह नहीं है, सामान्य की ओर है। तो आपसे पूछ लेते हैं, किसका वर्गीकरण सामान्य की ओर है? कोपेन, थॉर्न थ्वेट, त्रिवार्ता। त्रिवार्ता, त्रिवार्ता किसका सहारा ले रहा है? वर्षा की मात्रा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किसका सहारा लिया? ये देखें, ये रहा, वर्षा की मात्रा, वर्षा के आधार पर। तो ये क्या है? सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान को सामान्यतया 5 भागों में वर्षा के आधार पर बांटा गया, और यहां त्रिवार्ता ने वर्षा की मात्रा का सहारा लिया। अब आपसे पूछ सकते हैं, बताइए वर्षा की मात्रा के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है? अनुप्रयुक्त, तापमान के आधार पर अनुभाविक, उत्पत्ति के आधार पर जेनेटिक्स। चीजें क्लियर? अब मान लो यहां से फिर हम लोग जाना चाहते, उतार दिया, हाँ, अब मान लो जाना चाहते हैं कि हमें सब सीधा चीज बताइए। एक लिख दिया मैंने कोपेन, दूसरा लिख दिया थॉर्न थ्वेट, याद हो जाएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, और एक लिख दिया मैंने त्रिवार्ता। सबसे सिंपल सवाल है यहां पर, और जितना ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ता है ना उतना कंफ्यूजन होता है यहां, क्यों? वो बेसिक नहीं समझ पाता। अब देखिए, ने कोपेन,
वनस्पति, ताप मान, तापमान, और तापमान का भी क्या है वो औसत मान। अगेन पकड़ लिया ना, ऐसे याद करना है, ऐसे थोड़ी रट्टा मारना है, कहा था रट्टा मारो, मैं बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। अब आगे थॉर्न ट्वीट, और वार्ता पहले से दे लेते हैं, वार्ता वर्षा, वर्षा। तो वर्षा की बात करने वाला कौन है? त्रिवार्ता। अब आ गया थॉर्न, थॉर्न का मतलब कटीले होते हैं ना कटीले, तो कटीले वनस्पति कब होगी? जब वहां पर वाष्पीकरण क्रिया ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या लिखा? विभव वाष्प उत्सर्जन, विभव वाष्प उत्सर्जन, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपरेशन, PET। फिर वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता, विभव वाष्पोत्सर्जन, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना थॉर्न थ्वेट क्या था, उधर भी बाजी मार रहा है, उधर भी बाजी मार रहा है। तो वर्षण कौन यूज कर रहा है? त्रिवार्ता। और तापमान भी है ना वाष्पोत्सर्जन, तो तापमान से तो होता है वाष्पोत्सर्जन, तो तापमान और वर्षा दोनों किसमें आ गई? थॉर्न थ्वेट, विभव वाष्पोत्सर्जन और वर्षण प्रभाविता की बात करने वाला भूगोल वेत्ता कौन है? थॉर्न थ्वेट। या फिर आपको ज्यादा याद नहीं हो, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, ताप, थॉर्न टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करने वाला, वर्षण प्रभाविता की बात करने वाला, और विभव वाष्प उत्सर्जन की बात करने वाला, वर्षण प्रभाविता की बात करने वाला, वाष्पीकरण की बात करने वाला कौन है? थॉर्न थ्वेट और त्रिवार्ता वर्षा के आधार पर। ये अनुभाविक, ये अनुभाविक प्लस अनुप्रयुक्त, और ये केवल अनुप्रयुक्त है। तो अब इसको अपन लिखते हैं, ये आपके जैसे अनुभाविक है, और ये बाद में लिखूंगा, और ये है अनुप्रयुक्त है, और इन दोनों की कॉमन चीजें यहां पर हम ले लेते हैं। ले लीजिए थॉर्न थ्वेट, ओके यार। तो इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आए, अब आराम से, औसत मान। अब आपने कहा ऋतुवत परिवर्तन देखना है, तो इसके पास जाना पड़ेगा। ऋतुवत परिवर्तन देखना है, ये तो हमेशा किसकी बात करेगा? औसत। और औसत भी क्या होगा देखिए, वार्षिक और मासिक। औसत वार्षिक, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान। यहां कोपेन वनस्पति को
जलवायु का बेस्ट इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है ना क्या बोलते संकेतक, बेस्ट इंडिकेटर है, बेस्ट संकेतक है। यदि कहीं की जलवायु देखनी है तो वहां की वनस्पति देख लीजिए। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट वनस्पति, किसने बात की? कोपेन। थॉर्नथवेड भी इससे जुड़ा हुआ है ना, तो थॉर्नथवेड ने भी वनस्पति की बात की, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन देखिए या इवापोरेट ट्रांसपिरेशन है, एक है वाष्प उत्सर्जन, एक वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण होता है पानी से और वाष्प उत्सर्जन होता है मृदा और वनस्पति से। तो क्या भैया यहां वनस्पति भी आ गया ना, तो वनस्पति की चर्चा करने वाला भूगोल रहता है, ये भी है और ये भी है। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ता है और ये कहता है कि वनस्पति इस हमारी जलवायु के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी भी नमी है उस सब नमी को बाहर ले जाता है। इसलिए इसको कह देता है यहां से मैं कॉफी करूंगा और यहां लिख देता हूं वनस्पति वाष्पीकरण की मशीन है। वाष्पीकरण की मशीन है, जितना भी आपका पानी है सारे पानी को उड़ा देगा। इसलिए हमारे किसान क्या करते हैं, अपने खेत के चार और बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, बीच खेत में कोई पेड़ नहीं रोपने देते हैं। कई बार क्या है, बड़ा पेड़ हो जाता है तो क्या करता है चतुर किसान होता है, काट देता है। क्यों? उसको पता है, उसने थॉर्नवेट कह के गया था उसको, भैया वनस्पति वाष्पीकरण की मशीन है। हमें कह के नहीं गया, उनको कह के गया था, इसलिए उन्हें याद है, इसलिए सारे पेड़ वो काट देता है। लेकिन कहाँ रहता है वो? अपने किनारे पर। और फिर भी देखे जब फसल करता है ना, पैदा करता है, उससे पहले ऊपर पेड़ों को काट देता है। क्यों? क्योंकि वो वाष्पीकरण नहीं करे, और फसल कट जाती है उसके बाद कहता है भाई अब खूब बढ़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ज्यादा नहीं बढ़ने देता है, वो काट के रखता है। और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ बढ़ जाता है बढ़ जाता है, तो सारे उसके आसपास की जितनी भी मृदा में नमी है सब नमी को खत्म कर लेता है, पेड़ के पास कोई वनस्पति यानी कोई फसल नहीं हो पाती है। क्यों? सारी नमी खींच लेता है। ठीक है, चले अब चीजें क्लियर, सवाल यहां कंप्लीट होते हैं। कोपेन, थॉर्नथवेड, ट्रीवार्ता। अब आते हैं हम लोग कोपेन के पास। कहाँ कहाँ है रहने वाला? कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो? जर्मन है। जर्मन भूगोलवेत्ता। कहाँ कहाँ है? जर्मन भूगोलवेत्ता। इसको नागरिकता जो थी वो जर्मन की थी, रहने वाला ऐसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में पढ़ा था ये, तो रहने वाला ऑस्ट्रिया का था। नागरिकता कहाँ की थी इसकी? जर्मन की। ठीक है, नागरिकता जर्मन, इसलिए हम क्या लगेंगे जर्मन का, कई किताब लिखते हैं जर्मन खा जाते हैं ऑस्ट्रिया लिख देते हैं, तो ऑस्ट्रिया आए तो ऑस्ट्रिया कर देना, यदि जर्मन आए तो जर्मन कर देना, जर्मन नहीं आए तो ऑस्ट्रिया करना है, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा ऑस्ट्रिया में, नागरिकता जर्मन में। अब देखिए कोपेन, जलवायु, इसकी कहानी। कोलंबा जिलिया 1846 से 1940
चार छः साल और जी लेता तो 100 हो जाता, पूरा सैकड़ा लग जाता, शतक लग जाता। शतक से चूक गया बेचारा। क्यों? इसलिए क्योंकि खुद ही अपने शब्दों में उलझ गया ये। यदि अपने शब्दों में नहीं उलझता तो जलवायु के हिसाब से पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता लोगों को, तो 100 साल से भी ज़्यादा जी लेता है ये। अब देखिए किसका, अभी रिश्तेदार देखिए, ये वैगनर का दामाद था, किसका था ये? वैगनर। तो वैगनर ने बात की थी ना क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट की ये भी तो बात कर रहा है ना, वो महाद्वीप को विस्थापन कर रहा है, ये जलवायु का विस्थापन कर रहा है, बात तो वही है ना। तभी तो दोनों में रिश्ते अच्छी तरह की रिश्तेदारी बनी, अच्छा कॉम्बिनेशन बना, कई बार पूछ लेता है। अब देखिए वैगनर कौन था, जलवायु शास्त्री था और वनस्पति शास्त्री था, भौतिक भूगोलवेत्ता था वैगनर। तो अब कोपेन जलवायु शास्त्री और वनस्पति शास्त्री था, वनस्पति शास्त्री था। तो पहला सवाल यहां से फिर बनता है, कोपेन महोदय थे, बस जलवायु शास्त्री और वनस्पति शास्त्री। हो सकता है वो पूछ ले कि जलवायु या वनस्पति, उनमें से भी। तो भूगोल में हम लोग इसे जलवायु शास्त्री कहते हैं, बॉटनी वाले कहते हैं नहीं ये तो वनस्पति शास्त्री था। तो हम भूगोल में जो सवाल आएगा तो हम क्या लिखेंगे? जलवायु शास्त्री लिखेंगे, और वहां वनस्पति शास्त्री। अब ये वनस्पति शास्त्री प्रभावित तो हुआ है ना, किससे प्रभावित था ये? कैंडाले से प्रभावित। और कैंडाले भी कौन था? वनस्पति शास्त्री। इसने क्या किया 1874 में 5 भागों में विभाजित किया, किसको? ग्लोब को या विश्व को? लिख लिया अभी हमने, याद हो जाना है। मैं लिख देता हूं यहां आपको याद करने के लिए वापस, हालांकि लिख दिया है फिर भी हम यहां लिख सकते हैं। देखिए याद करें इसको, सवाल पूछता है यहां पर, पिछली बार कौन सी एग्जाम में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एनवीएस या केवीएस गेस्ट में था। मेगा थर्मल क्या है? मेघा। तो देखिए मेघा, हालांकि हिंदी के हिसाब से लिख दिया हमने, हाँ मेगा करेंगे हम, मेगा। मेगा और थर्मल टेम्परेचर है, इसको तो अपन लिखे ही नहीं। मेगा का मतलब ज्यादा, उच्च तापीय। अब बीच में इसको भूल जाते हैं हम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भूलना, ज्यादा नहीं भूलना। मेगा के बाद क्या हो गया? मैसो, मध्य, हो सकता है कई बार इसको कर देता है मैक्रो, क्या कर दे वो? मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता बड़ा, ज्यादा। मैसो मध्य, और यह हो गया माइक्रो, माइक्रो का मतलब अल्प, न्यून अल्प है ना, न्यून कह सकते हो या अल्प। और फिर इसके बाद एक्स्ट्रो, और अब ये आपका जो आ गया 0.5 का मतलब मरुस्थलीय, मरुस्थलीय नाम रखा है इसको, ड्राई या कह सकते हो इसको मरुस्थलीय। मरुस्थलीय
आज सारा याद हो जाएगा, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो याद नहीं होगा। ठीक है, है? एक्स्ट्रो का मतलब होता है बिल्कुल नगण्य ताप, न्यून ताप, बिल्कुल नगण्य, यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है पूरी तरह से। वनस्पति की बात करें तो बिल्कुल जीरो प्रकार की वनस्पति, बहुत कम वनस्पति है। अब देखिए मेघा मैस, मेघा जीरो, जीरो वाला बीच में आ गया गलती से, तो मेघा जीरो मैसो माइक्रो एक्स्ट्रो कौन कैंडल। देखिए इन्होंने क्या किया, वनस्पति के बारे में पढ़ लिया हमने, वनस्पति को एक बेस्ट इंडिकेटर बताया किसका, क्लाइमेट का। इनका जो पहला जो वर्गीकरण था किसका, व्लादिमीर कोपेन का 1900 में आया प्रथम बार, पहली बार कब आया 1900, फिर उसके बाद 1918, फिर उसके बाद 1931, फिर उसके बाद, अब देखिए प्रथम बार, अब ये प्रथम संशोधन, आपकी अधिकांश किताबें ये लिखती हैं, ये था द्वितीय संशोधन। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया कि कोपेन मौदे ने द्वितीय संशोधन कब किया, 1931 में, फिर 1936 और फिर 1953, कब चले गया वो 40, कब तक आ रहा है ये 53 आ रहा है। तो कैसे आएगा, अब देखिए कैसे आया ये, 1936 में उनका एक स्टूडेंट आ गया, उसका नाम था गीगर। तो अब क्या हो गया सिद्धांत का नाम, कोपेन गीगर। तो ये क्या है उनका स्टूडेंट। फिर एक और आ गया, तब उसको कह दिया कोपेन गीगर पाल, पी ए एच एन, पाल भी लिखते हैं पाल, हो सकता है पहल भी लिखते हैं कई किताब वाले, तो कोपेन गीगर पाल। ये लास्ट वाला भी फेमस रहा है, ये लीजिए 1918, 31, 33, 53 याद हो जाना चाहिए सवाल यहां से, 1918, 31, 36, 53 चीजें क्लियर। ये डेट हमेशा याद करना, डेट सवाल होता है डेफिनेट, हम रट के जाते हैं कोपेन का, बहुत तरह रट लिया, पूछ लेता है बताइए लास्ट कब था उसका, उसके मृत्यु के पश्चात वर्गीकरण क्या कहलाया, कोपेन गीगर पाल। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कोपेन गीगर, अरे 40 में चले गया बेचारा तो 53 में आएगा, तो 53 में कोपेन गीगर पाल, गीगर स्टूडेंट पाल भी स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों के द्वारा लिखा गया वर्णन था उसने तो 1931 में लिखा, प्रथम प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, चतुर्थ संशोधन। लेकिन ये स्टूडेंट के द्वारा, ये
फिर स्टूडेंट के द्वारा, इसके द्वारा तो यही तो काम है द्वितीय संशोधन। ठीक है चले आगे। अब देखिए सबसे पहले 1900 में उसने क्या किया, पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। किससे प्रभावित होकर? कैंडाले से प्रभावित होकर। तो क्या क्या उन्होंने डेटाओं का सहारा लिया? सहारा भी जरूरी है ना, कौन से डेटाओं का सहारा लिया? तो हम लिखेंगे यहां पर सहारा। क्या? माध्यम या सोर्स। कौन कौन से सोर्सेज अपनाए उसने? ठीक है, यह सवाल होता है यहां से। तो पहली चीज है क्लियर, कोपेन जर्मन का था, जलवायु शास्त्री था, वनस्पति शास्त्री था, और कोपेन का दामाद था। अब देखिए सॉरी उसका वैगनर का, वैगनर का दामाद था, बहुत बड़ा है वैगनर के लिए। वैगनर को नहीं बोले तो बेकार है कोपेन का वर्णन करना। वैगनर भी जर्मन का था, ये भी जर्मन का था, वो भी जलवायु वेत्ता था, ये भी जलवायु वेत्ता था। अब सहारा पहला औसत मान किसके? टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल, औसत मान, टेम्परेचर, रेनफॉल। टेम्परेचर के औसत मासिक एवं औसत वार्षिक आंकड़े प्राप्त किए। आंकड़े औसत और वार्षिक आंकड़े किसके? टेम्परेचर के। तीसरा वर्षा के औसत वार्षिक आंकड़े। ये तापमान के ही लेता है केवल मासिक, वर्षा के कभी मासिक नहीं लेता, इसलिए इसे ऋतुवत नहीं कहा जाता। यदि ले लेता तो ऋतु हो जाती ना। अब चौथा वनस्पति का सहारा, पांचवा इंग्लिश कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर। ठीक है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर। फिर इंग्लिश के स्मॉल लेटर, एक साथ 3 अक्षर का प्रयोग, एक साथ 3 अक्षरों का प्रयोग। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि यहां राजस्थान में, राजस्थान ज्योग्राफी में गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं? 4 अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि प्रयोग कितना होना चाहिए? 3 अक्षर का। कितने कर दिए? 4। और कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर, और वो भी 4, बी डब्ल्यू एच के, बी एस एच के।
तो क्या कर दिया उन्होंने, चार अक्षर, जबकि होने चाहिए कितने, तीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसके आधार। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन को तो मुख्य था, उनकी टैक्नेस थी तो ऑब्जर्वेशन तो टैक्निकल्स थी। औसत टेम्परेचर, टेम्परेचर का औसत मासिक, वर्षा के औसत वार्षिक आंकड़े, वनस्पति के, इंग्लिश के, इंग्लिश के स्मॉल लेटर, एक साथ तीन अक्षर। हालांकि ये भी फॉर्मूला अपनाता है, मैं भी लिखूंगा फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूला अपनाएगा। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, बहुत सारे फॉर्मूला अपनाएंगे, बहुत सारे टेबल लिखेंगे हम लोग, ग्राफ भी बनाऊंगा इस बार। ठीक है, मैं कभी ग्राफ नहीं बनाता, इस बार मैं ग्राफ बनाऊंगा, और ग्राफ इसलिए कि बहुत आगे तक ले जाएंगे इसको हम लोग। चले, चीजें क्लियर, तो चारों चीजें होगी हमारे पास, एक पाँच सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात। ओके, नहीं किया, लेकिन राजस्थान में स्टार, राजस्थान ज्योग्राफी में, ऑनली राजस्थान ज्योग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, चार अक्षर। ये गलत है, जबकि होना कितना चाहिए, तीन। चले, और कैपिटल लेटर कौन कौन से थे, पहले लेटर देखेंगे हम लोग, विश्व कितने भागों में बांटा, भारत को कितने बांटा, राजस्थान को कितने बांटा। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोपेन ने भारत को बांटा था क्या, नहीं, उसने तो विश्व का वर्णन किया है, हमने कोपेन की स्कीम के अनुसार। क्या पढ़ रहे हैं, स्कीम पढ़ रहे हैं, जेडीए की स्कीम नहीं है, कोपेन की स्कीम है। तो कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा, राजस्थान को कितने भागों में बांटा, और विश्व को कितने भागों में बांटा, वो अलग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यदि हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको रट्टा मारने के लिए, लेकिन वहां लिख लेंगे। तो देखें आप, जगह है अपने पास, विश्व को कितने भागों में बांटा, 24 भागों में। स्कीम के अनुसार भारत को 9 भागों में, अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी। अब एनसीआरटी जाने, उसका काम जाने, एनसीआरटी के अनुसार। और राजस्थान को 4 भाग, चार भागों में। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, 4। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जलवायु विभाजन, यदि किसी विद्वान का नाम आ जाए तो क्या करना है, 4, और सामान्य आ जाए तो क्या करना है, 5। कोपेन ने 4, थॉर्नथवेट ने 4, त्रिवार्ता ने 4, सामान्य 5। यानी विद्वान 4, सामान्य 5, क्योंकि विद्वान छोटे अक्षर है, सामान्य में ज्यादा अक्षर, सामान्य जनरलाइजेशन। तो कितना जनरलाइजेशन किया है, 5। कई बार पता है क्या लिखा आता है, जनरलाइजेशन से बात याद आती है मुझे, जलवायु क्या है, मौसमी दशाओं का जनरलाइजेशन, सामान्यकरण है, बताइए। अब कंफ्यूजन हो गया ना बच्चों, बोलो जनरलकरण क्या होता है, तो जनरल में क्या होता है, सामान्य हो जाता है, औसत हो जाता है, एवरेज क्या आ रहा है भाई, सामान्य कितने आ रहे हैं, एवरेज नंबर। तो सामान्यकरण, तो वायुमंडल दशा की, वायुमंडल की सामान्य दशा या साधारणीकरण अवस्था या सामान्यकरण की अवस्था क्या है, जलवायु है। चीजें क्लियर, तो आज यहां से क्लियर हो गया, मौसम का सामान्यकरण जलवायु है, तो सामान्यकरण 5, विद्वान 4, कोपेन 4, थॉर्नथवेट 4,
त्रिवार्ता चार और सामान्य पांच, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 9 भाग, हालांकि डिवीजन ज्यादा कर रखे हैं लेकिन लिख रखा है 9 भाग, है 10 है लेकिन लिख रखा है 9 भाग। अब कौन कौन से स्मॉल लेटर है, कैपिटल अक्षर है, देखेंगे हम लोग। पहले कैपिटल अक्षर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर, ठीक है। अब कौन कौन से हैं देखिए, अभी वर्णन करेंगे हम लोग आराम से ढंग से। ये मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया है, ये कोई कॉपेन का नहीं है, क्योंकि बच्चों को याद करवाना है इसलिए। आप सोचे कॉबेन, क्योंकि आपसे पूछ ले बताइए कौन सी जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, तो इसको मैंने कह दिया जीरो है, ना तेरा ना मेरा, जीरो है, ठीक है। अब देखिए पहला अक्षर कैपिटल ए, नाम तो जानते हैं ना आप आराम से, ए बी सी डी। दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ए। फिर सवाल यहां से, विश्व को प्रारंभिक रूप में कितने जलवायु प्रदेशों बांटा कोपेन ने, पांच। तो प्रारंभिक रूप से कितने बांटों में, पांच भागों में, कौन कौन से है, ए बी सी डी ई। तो मैं भी उसको एबीसीडी कर देता हूं, ये लीजिए भाई ए, बी सी डी, और बच गया, हो गया भाई ए बी सी डी ए। अब ये जीरो है, ठीक है। अब यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, 23.5, ठीक है, ये सामान्य वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, या ठीक है 23.5, और ये हो गया 35, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको 30, 30 से 35 का बीच का एरिया, ये हो गया 45, ये हो गया 60, और ये 90। तो कर्क रेखा के बीच वाला भाग, मकर रेखा के बीच वाला भाग ए, और इनसे ऊपर का वाला भाग बी, इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण, लेकिन 30 लिखेंगे इसको हम लोग। बेटर क्या होगा मेरे हिसाब से, इसे 20 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अपना विभाजन है उसका नहीं है, ये रहे 30। चीजें क्लियर, 23.5, 30, 45, 60, 90। ए क्लाइमेट 23.5, बी क्लाइमेट 30, सी क्लाइमेट 45, डी क्लाइमेट 45 से 60, ई 60 से 90। ये सामान्य विभाजन विश्व के संदर्भ में। तो आपसे पूछा जाए बताइए ई जलवायु कहाँ पाई जाती है, पोलर रीजन में, 60 से 90 रीजन में। बताइए उष्णकटिबंध कहाँ पाया जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में। यदि सुपन पूछे तो सुपन तो टेम्परेचर लेके आएगा बेटा, तो टेम्परेचर क्या है उसका, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या लेके आएगा वो, 68 डिग्री फारेनहाइट या 20 डिग्री समताप रेखा। चले हम नामकरण करेंगे इसका, देखें ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु,
कौन सी होगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, या फिर मेगा थर्मल। और हम अकॉर्डिंग टू ऑनली एनसीईआरटी, कुछ लोग पता नहीं क्या लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो पहला ए का मतलब क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्योंकि जलवायु तो है, क्या देखे बार बार जलवायु को, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहां पाई जाती है? ए में। इसी का नया नामकरण कर देते हैं विषुवतरेखीय जलवायु। विषुवतरेखीय जलवायु, ठीक है ना? तो यदि विषुवतरेखीय पूछे तो ए बता देंगे, यदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पूछे तो ए बता देंगे। अब आ गया बी, मरुस्थलीय जलवायु। कोपेन महोदय ने, अभी तो और डिविजन्स करूंगा मैं इसके, क्या आधार माना वो भी देखेंगे हम लोग। तो बी कोपेन महोदय ने मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन सा संकेत यूज किया? बी, ठीक है। इसके बाद सी, सी का मतलब अब कैंडाले की बात करें तो कैंडाले को यहां लिखूंगा, इसका मतलब होता है देखिए उपोष्ण कटिबंधीय सागरीय जलवायु, पहला ऐसे पूछा जाएगा, या मिड, भाई इसलिए है ना ये सी क्योंकि 35 आ गया इसमें, ये तो कहां जाएगा, ये उसी में आएगा, या फिर मिड लैटिट्यूड ओशियन क्लाइमेट। कौन सा हो गया? ओशियन क्लाइमेट। अब कैंडाले के अनुसार बात करें तो क्या हो जाएगा ये? मैसो थर्मल। इसे के लिए मैसो थर्मल। आपसे पूछा था उपोष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु कहां पाई जाएगी, कौन से रीजन में पाई जाएगी? ए बी सी डी ई सी। पहले ओशियन आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि पहले हम लोग ईश्वर को जब प्रश्न करते हैं ना, आप लोग पढ़े हो तो प्रश्न करते हैं ईश्वर को, तो अर्ध दिया जाता है, सूर्य को अर्ध दिया जाता है, तो पानी कहां से मिलेगा? समुद्र से खुश कर दिया। अब हम महाद्वीप पर आते हैं देवताओं को मनाने के लिए। अब ये वाला क्या हो गया? मिड लैटिट्यूड ये ओशियन है तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब किसके अनुसार बात करें? कैंडाले, तो कैंडाले क्या कहेगा इसको? माइक्रो थर्मल। महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु को कौन सा अक्षर प्रदर्शित करता है? कोपेन का डी, ठीक है। अब ये हो गया ध्रुवीय या फिर फ्रिगिड, और उसके अनुसार बात करेंगे तो क्या होगा? हेकिस्टो, हेकिस्टो थर्मल। ध्रुवीय, फ्रिगिड या शीत कटिबंध। तो आराम से याद हो जाएगा, मुझे लगता नहीं याद नहीं होगा। ए बी सी डी ई, पहले उष्ण कटिबंध, फिर मरुस्थल,
उपोष्णकटिबंध, फिर मध्य अक्षांश, फिर उच्च अक्षांश या ध्रुवीय अक्षांश, उच्च अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो शुरुआत में कितने बनाए उसने? पांच, ए बी सी डी ई, बस ये पांच याद करना है। विश्व को आप पूछते हैं, विश्व को प्राथमिक रूप से कोपे ने कितने भागों में विभाजित किया? पांच भागों में विभाजित किया। अब स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, अभी कैपिटल और आएंगे यहां पर, मुझे कैपिटल लिखूंगा अभी, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखूंगा यहां पर क्योंकि बाधा उत्पन्न हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है कैपिटल। दो अक्षर कैपिटल और होंगे वो अपवाद स्वरूप आएंगे। तो स्मॉल लेटर, और मैं हमेशा कहता हूं अपवाद है, रट के मार पढ़ लो उसको और याद कर लो, अपवाद याद हो गया तो समझे ज्योग्राफी याद हो गई। स्मॉल, तो पहले एस से स्टार्ट कर ले, एस देखिए, अब यहां समझे एस, एस का मतलब है समर ड्राई, विंटर रेनफॉल, इसका मतलब गर्मी शुष्क, वर्षा कब हो रही है? शीत, ग्रीष्म शुष्क, और शीत में वर्षा। अब बता दीजिए भारत में जहां सर्दी में वर्षा होगी उसके लिए क्या यूज करेंगे? एस। अब भारत में ये वाला पार्ट देखें, जब बना ही रहे हैं तो हम लोग ठीक है। अब देखिए ये यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे कौन सी जलवायु है? ए। तो ये जलवायु कौन सी होगी हमारी? ए, सब जगह। अब यहां वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। तो क्या लिखा है? समर ड्राई, विंटर रेनफॉल। तो क्या हो गया ये? ए एस। चीजें क्लियर, रट्टा मारने जरूरत नहीं है। और कौन सा है ये? कब वर्षा नहीं होती यहां पर? गर्मी वर्षा नहीं होती है ना, वर्षा कब होती है? शीत में। गर्मी में हम पानी लेने गए, आपने देखा होगा गर्मी में लोग पानी लेने जाने, आजकल तो क्या नलकूप चल गई या सरकार की स्कीम आ, घर पानी आ जाता है। पहले हमारे गांवों में पानी लेने आते थे तो मटका खाली आते थे, कुएं से खाली आना पड़ता था, ये हालत हुआ करती थी। पानी खत्म, तो पानी खत्म हो जाता था तो हम उसे कह देते मटका खाली हो गया, कोरो रह गया, कोरो मंडल, मंडल मंडलाकार और कोरो खाली रह गया। गर्मी में कौन सा भाग वर्षा से खाली रह जाता है? कोरो मंडल। चीजें क्लियर, कौन सा तट है ये? पूर्वी तट। चीजें क्लियर। अब आते हैं अगले वर्ड पर, स्मॉल डब्ल्यू, क्या हो गया? विंटर, यानी जो शब्द है ना उसके साथ ड्राई करना पहले, विंटर ड्राई। वर्षा कब होगी अब यहां पर? समर में, समर रेनफॉल, विंटर ड्राई, समर रेनफॉल। चीजें क्लियर। तो समर में क्या हो रही है यहां पर? रेनफॉल। अब ये कौन सी जलवायु होगी? देखिए ये जो जलवायु है ये क्या होगी? AW। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में गर्मी में तो वर्षा होती है, सर्दी में वर्षा नहीं होती। कौन सा भाग है?
प्रायद्वीप ये भाग। अब आते हैं एम। एम भारत की दृष्टि से मॉनसून बोलते हैं इसको, ठीक है, एम को मॉनसून, लेकिन इसका मतलब होता है समर सीजन इज वेरी स्मॉल, यानी ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं एम, और भारत के संदर्भ में क्या करेंगे उसको एम मानसून। तो ये वाली जो जलवायु है कौन सी हो गई, ये ए एम। अब लेकिन यहां पर भी सर्दी में वर्षा नहीं होती, इसलिए यहां पर हम लोग जोड़ सकते हैं ए एम डब्ल्यू, जोड़ सकते हैं, वैसे है क्या है ए एम, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी, अब देखिए भारत का पश्चिमी तट वर्षा प्राप्त हो जाती है, वर्षा फुल घड़ा लबालब हो जाता है पानी से गर्मी में भी, तब इसको हम क्या बोलते हैं मालाबार। इधर वाला मालाबार, उधर वाला कोरोमंडल, मालाबार तट में गर्म खूब वर्षा है, उसका सिंबल क्या है एम ए डब्ल्यू। कर्क रेखा के नीचे ए लिखना है, कुछ भी हो जाए अपवाद है तो रट लेना उसको। अब आते हैं जी। जी का मतलब होता है गंगा प्लान, लेकिन ये भारत की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से क्या है, वर्षा से पूर्व, वर्षा से पूर्व भयानक या तीक्ष्ण गर्मी कैसी होनी चाहिए, वर्षा से पूर्व भयानक या तीक्ष्ण गर्मी, तब उसको लिखते हैं जी, ठीक है। चले अब थोड़ा सा, अब है स्टार कैपिटल डब्लू, कौन सा है कैपिटल डब्लू, इसका मतलब होता है देखिए वेट, डब्लू मतलब वेट, स्टार और लगा दिया मैंने अपवाद है तो इसको लिख दिया लेस, तो वेट लेस का मतलब क्या होता है शुष्क, क्या हो गया शुष्क हो गया। और फिर आता है कैपिटल एस, इसको लिखते हैं स्टेपी, क्या लिखते हैं स्टेपी, स्टेपी याद नहीं रहे तो क्या लिख सकते हैं इसको अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। अब चलिए, अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारा भारत का, ये वाला उपोष्णकटिबंध है ना, अब इस क्षेत्र को, ये वाला उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये वाले कौन सिंबल होगा इसके लिए बी, अब बी में भी इसको हम कितने भागों बांट सकते हैं दो भागों में, ये वाला भाग क्या हो गया बी डब्लू, और ये जो भाग है ये क्या हो गया बी एस, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग बी डब्लू और अरावली के पास वाला भाग बी एस, और यह क्या है अरावली, मैं अरावली बना देता हूं यहां पर, सही रहेगा ना, अरावली बना देता, ये लीजिए अरावली, तो अरावली के इधर वाले भाग में बी सिंबल का प्रयोग किया है, उधर पाकिस्तान के पास डब्लू,
और अरावली के पास एस, डब्ल्यू एस। अब बच गया क्या बीच वाला भाग? इसके लिए क्या प्रयोग किया? सी डब्ल्यू जी। क्या प्रयोग किया? सी डब्ल्यू जी। तो गंगा के मैदान के लिए ए गया, बी गया, बचा सी। और डब्ल्यू क्यों लिखा? क्योंकि विंटर ड्राई, समर रेन, तो गर्मी में वर्षा होती है मध्य भाग में गंगा के मैदान में, इसलिए इसको लिख दिया सी डब्ल्यू जी। ऐसे याद नहीं करें, सी ओ डब्ल्यू काऊ, काऊ मानी गाय, और गाय का है गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान में काऊ के ऊपर लड़ाई होती है, गंगा के मैदान में गाय के ऊपर लड़ाई होती है, अतः क्या हो गया? सी डब्ल्यू जी। चीजें क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब स्मॉल लेटर देखेंगे। अभी एच, एच का मतलब होता है हॉट, के का मतलब कॉल्ट, और कॉल्ट को कॉल्ड लिखा जाता है क्योंकि जर्मन में है नहीं, तो जर्मन लिखा जाता है। हॉट का मतलब है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज्यादा, कितना ज्यादा है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। और यहां कॉल्ड में 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 18 से कम। क्या हो गया? यह 18 से कम। अठारह से ज्यादा। इसके बाद एफ, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? देखिए अपने हिसाब से, फुल टाइम ब्रेन, ये मैंने खुद ने बना रखी चीजें, फुल टाइम रैन। एफ मानी फुल, फुल टाइम रैन। फुल टाइम रैन का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा। अब देखिए यहां अंडमान निकोबार है ना, तो यहां कौन सी जलवायु होगी? विषुवत रेखा के पास में, कर्क रेखा के नीचे है, तो कौन सी होगी? ए एफ। कौन सी होगी? ए एफ। अब बच्चा ये वाला जो क्षेत्र है, डी एफ सी, सी अभी लिखूंगा, सी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या हो गया? देखिए मतलब महाद्वीपीय जलवायु शीत के आसपास, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और डी उत्तरी पूर्वी हिमालय में अरुणाचल जैसा स्टेट, इसमें आएगा डी एफ सी। सी का अर्थ बताऊंगा क्या होता है अभी, ठीक है। इसके बाद चलते हम लोग, एच हो गया, डब्ल्यू हो गया, उत्तरी पूर्वी ये वाला असम से ऊपर, असम वाला क्षेत्र है, असम को लेते हुए सीधा चले जाओ, ठीक है। इधर यहां से चालू होगी, स्टार्ट यहां से, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ हाँ, सिक्किम भी आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद आता है हमारा एन। एन का मतलब होता है कोहरा, कोहरा। तो मरुस्थलीय प्रदेश में जब शीतलहर, सॉरी मरुस्थलीय प्रदेश में ठंडी धाराएं चलती हैं, तो तटों पर क्या बन जाता है? कोहरा बन जाता है, इसलिए उसके लिए क्या रखा? कोहरा। और हमारे यहाँ कोहरा कहाँ दिखाएंगे? तो ये भारत में नहीं दिखा सकता मैं इसको, ठीक है, होता ही नहीं क्योंकि यहाँ शीत धारा चल ही नहीं रही। अब चलते हैं, हाँ एन का प्रयोग करता है वो। इसके बाद आई का मतलब होता है इंटरवेल, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ए का मतलब है कि टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। एक एक को सबको लिखवाऊंगा, लेकिन अब वर्ड का अर्थ समझ लाना चाहिए पहले,
ए का मतलब है बाई डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा, कब? गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा। बी का मतलब है 22 से नीचे। सी का मतलब है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। डी का मतलब है यानी यहां टेम्परेचर 10 से ज्यादा होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और यहां पर डी का मतलब है -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, अर्थात -38 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो 22 से कम, 10 से ज्यादा या 10 से कम, ठीक है, यह कह सकते हैं हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो अब आपको याद रखने के लिए दो ही चीज रखने, 22 10 22 10। ये लीजिए ABCD। अब सी का मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, अर्थात सर्दी में भी यहां पर टेम्परेचर 10 से ज्यादा होता है, क्यों? वर्षा होती है। अब इसके बाद आगे हमारे पास एफ कैपिटल, ये है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब तुषार, तुषार का मतलब पाला, और टी का मतलब है टुंड्रा। टी का मतलब क्या है? टुंड्रा। अब ये जो जलवायु बची, अभी और लिखेंगे वर्णन, ही तो हम सिंपल देख रहे हैं। ई टी, और ये जो बची ई, और इसके अंदर बी एस और आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? बी एस। इस लाइन को थोड़ा सा हम फिरकी ले ले, ऐसे आ जाएगा ये लाइन। ये तो कर्क रेखा है, लाइन को थोड़ा सा घुमा दे, क्यों? उच्चावचीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव आ गया यहां पर भाई? विंध्याचल और सतपुड़ा के कारण ये घूम गई और कहां चली गई? ऐसे चली गई अंदर। तो इससे नीचे वाली जलवायु AW, नीचे क्या हो गई? BS। BS क्यों हो गया भाई? बरसात नहीं हो रही, वृष्टि छाया प्रदेश है। कौन है ये? पश्चिमी घाट के इधर वाला, तमिलनाडु और कर्नाटक का भाग आ गया। अब देखिए, एफ मानी फ्रॉस्ट, टी मानी टुंड्रा, तो ये कौन सी जलवायु? उत्तराखंड में ईटी, और जम्मू में कौन सी है? ई। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में कौन सी है? ई जलवायु। ई हमने पढ़ लिया, ई कहा है? ये रहा, ये रहा ई द्रव्य जलवायु सी। इसके बाद उन्होंने क्या किया? एच शब्द का प्रयोग किया लास्ट के वर्णन में, मैं लिखता हूं हिल, और इंग्लिश में वहां पर वो लिखते हैं हाईलैंड पार्ट। लेकिन हमने याद करने की दृष्टि से हिल कर रखा है। एच मानी हिल, एन मानी कोहरा, बड़ा एफ यानी तुषार, छोटा स्मॉल एफ मानी वर्ष भर वर्षा। इस प्रकार ये स्मॉल लेटर होता है कंप्लीट। अब कैपिटल और स्मॉल लेटर आपस में मिलाएंगे और फिर वर्णन करते चलेंगे इसका। चीजें क्लियर? तो अपवाद कौन है यहां पर? दो बड़े अक्षर W S, फिर ये F और TH, लेकिन ये उनके काम के नहीं है। प्रादेशिक विभाजन था प्रारंभिक, वो नहीं है, ये उस गौण विभाजन है, ठीक है। तो हो गए ना भैया भारत का विभाजन, AF, AS, AM, BS, AW, CWG, DFC, ET, E, BS, BW। अब देखिए राजस्थान की बात करेंगे ना हम, तो देखिए राजस्थान का कुछ भाग तो यहाँ पर आ गया और कुछ भाग यहाँ चले गया, तो कुछ भाग यहाँ आ गया। थोड़ा इसको और देखते हैं, देखिए
ये लीजिए, तो राजस्थान आ गया है इसके अंदर। तो नीचे वाला भाग किस में आ गया है? ए डब्लू। उत्तरी पूर्वी भाग किस में आ गया? सी डब्लू जी। अरावली के इधर वाला भाग बी एस और उधर वाला भाग बी डब्लू। तो चार भाग हो गए राजस्थान में। पूछते हैं बताइए चार जलवायु कौन कौन से घबरा जाते हैं? ये लीजिए चारों आ गए इसके अंदर। ठीक है, झालावाड़। तो झालावाड़ तो उसमें आएगा, ये इसमें नीचे वाला भाग है ना वो राजस्थान का। ये देख बेटा यहां से गुजरेगी तो ये डूंगरपुर, झालावाड़, दक्षिणी कोटा और झालावाड़। दक्षिणी कोटा, पूरा कोटा नहीं, दक्षिणी कोटा और झालावाड़, 12 का कुछ हिस्सा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो टोटल कितने हैं? 24 विभाजन। समय है आपके पास अभी? समय पूरा हो गया है ना? हाँ, क्योंकि एक कम से कम 2 घंटे और चाहिए तब जाके कोपेन होगा। तो सबसे सिंपल है ना, कोपेन तो हार्ड है ना। अब जाके कोपेन, अब कल क्या करेंगे हम लोग? इन रिविजन करेंगे का दोबारा, और फिर ए कैपिटल स्मॉल लेटर, टोटल 24 वर्गीकरण और 24 का अध्ययन, और फिर इसके बाद थॉमथवेट पर बात करेंगे।